हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर फर्स्ट गणित के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 4 के टोटल चैप्टर गणित के देख चुके हैं और आज हम क्लास 5 का चैप्टर 1 से देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी गणित पढ़ाया जाता है तो उसे व्यवहारिक ज्ञान से पहले जोड़ा जाता है। जैसे मछली उछली इसके बारे में पढ़ाना है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे किया गया है कि जैसे मछली उड़ रही है मछली के बारे में, और जापान में अगर 3 पंक्तियाँ लिखी गई हैं जापान में इसे क्या कहते हैं, इस तरीके से व्यवहारिक रूप से उसे जोड़ते हुए फिर बैंक में लोन लेती है तो ये होता है, ऐसे इस तरीके से बताया जाता है। और ये 1 to 5 के लिए है, याद रखिएगा पेपर फर्स्ट के लिए। तो चलिए इसमें देखते हैं चैप्टर 1 मछली उछली। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले 3 पंक्तियां लिखी गई थी। पहले पंक्ति में लिखा गया था गहरे समुद्र में देखो, फिर इसके ठीक नीचे लिखा गया था प्यारी सी रंगीन मछलियां, और उसके नीचे लिखा गया था तैरती शांति से। तो 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हायकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। इसके आगे लिखा गया है मीन का अर्थ है मछली, मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करते हैं। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। यह पर प्रकरण संबंधी अध्याय है जो बच्चों को मछली और मछुआरे के संसार के बारे में समग्र दृष्टि देता है। आकार अंदाज लगाना, बड़ी संख्याओं की समझ, आसान प्रक्रियाएं, चाल, कर्ज लेना देना आदि गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के संदर्भ में लिया गया है, जिससे कि पहले सीखे गए कुछ विचारों को रचनात्मक तरीके से दोहराया जा सके। याद रखिएगा ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सीटेट में इसी तरीके प्रश्न पूछे जाते हैं, लेशन नंबर दे देगा और पूछेगा कि इसमें किसकी चर्चा की गई है। तो उसमें देखा जाए तो आकार अंदाज लगाना, बड़ी संख्याओं की समझ, आसान प्रक्रियाएं, चाल, कर्ज लेना देना आदि गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के संदर्भ में लिया गया है। वास्तविक जीवन के संदर्भ में, यानी जब भी ऑप्शन आएंगे तो वास्तविक जीवन के संदर्भ में ये सारे ऑप्शन आते हैं, तो हमेशा टिक कीजिएगा किसी भी सेक्शन का हो, क्योंकि जो भी हम सीखते हैं वो वास्तविक जीवन से ही रिलेटेड होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, यही आइडियोलॉजी आपका जो हमेशा कहते हैं। नाव, इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे, नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है? 4 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तक जाने में कितना समय लगेगा? 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो चाल बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो इसके बनाने के 2 उपाय हैं। मैं पहला उपाय बता देता हूं, दूरी बटे समय वगैरह कुछ भी याद नहीं है आपको तो कैसे बनाइएगा, हम उपाय बताते हैं। देखिए ये कह रहा 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखे 1 और इसके सामने क्या लिखेंगे? 4। ऐसे ही लिखिएगा आप जब भी क्वेश्चन आए, तो ये हो गया 4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दूसरा क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर। तो ये किसमें? 4 क्या है? किलोमीटर में है, तो ठीक इसके नीचे हम लिखेंगे 10, यानी ये किलोमीटर में हो गया, और फिर यहाँ डैश देंगे और यहाँ पे हमको लाना है कि क्या है, यहाँ पे लाना है क्या आएगा। तो देख रहे हैं कि ये 10 है, ये 1 है, ये वाट है और ये 4 है। ऐसे लिख सकते हैं आप, निश्चित ही लिख दीजिएगा, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिख रहे हैं और ये समय के नीचे समय है। ऐसा क्यों लिखते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर समय बढ़ता है, अगर ये समय बढ़ता है तो जाहिर सी बात है किलोमीटर बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये समय 1 घंटा है तो 4 किलोमीटर बढ़ा, और यहाँ पे कुछ समय बढ़ेगा तो ये 10 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 1 से वो कभी ज्यादा होगा। तो जब भी दोनों पोर्शन आपका इंक्रीज करे यानी बढ़े, यानी दोनों बढ़ने पे ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये जब भी इंक्रीज करे तो इस तरीके से आप बैठा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत जगह काम करता है और जो भी प्रश्न हो उसमें ये बैठ जाता है अगर दोनों पोजिशन इंक्रीज करे। यहां देख रहे हैं 1 है 4 है, यहाँ वाट का साइन है, यहाँ 10 है, ठीक है। इसमें एक और रीजन है वो आपको मैं समझा देता हूं। 1 घंटे को, घंटा आप जानते हैं कितना होता है, ये 1 घंटा को ये होता है घंटा 60 मिनट का,
कितना होता है 60 मिनट का। बस यही पॉइंट याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं याद करना है, बैठा देना है। और याद रखिएगा कि 1 घंटा होता है वो कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का, ना कि 100 मिनट का, 60 मिनट का होता है, ये याद रखिएगा। अब इसको करना क्या है, तो इसको इससे गुणा करते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं, और इसको इससे गुणा कर देते हैं ताकि दोनों पोजिशन मेरा बराबर हो जाए तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो इसको इससे गुणा किए, इसको इससे गुणा किए, हम जानते हैं कि इसका मान क्या रख सकते हैं, वाट की जगह पे एक्स रख सकते हैं, वाट की जगह पे एक्स, यानी नहीं मालूम है तो एक्स रख देते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा कितना, इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x। एकदम सिंपल से मैं समझा रहा हूँ, इस तरह के प्रश्न आएंगे, इससे टफ आएगा लेकिन इस तरह के प्रश्न आएंगे। ये हो गया 4x, यहां हो गया 1 से गुणा किए कितना हो गया 10। याद रखिएगा ये दोनों आपका किलोमीटर में, एक साइड मैंने लिख दिया, और ये दोनों समय है तो मैंने एक जगह क्या लिख दिया, एक लिख दिया, क्योंकि एक घंटे की बात है एक लिख दिया, दूसरे का मुझे घंटा नहीं मालूम है इसलिए मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया 4x/10। अब एक्स का जब मुझे वैल्यू निकालना है, क्योंकि मुझे ये चाहिए तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 4 से क्या करेंगे, इधर दोनों में गुणा है तो इधर आके क्या होगा, भाग में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया 4। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हम कटाएंगे, तो देखिए ये पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं लगता है तो उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पूर्णांक में कर देते हैं, क्या करते हैं, पूर्णांक में कर देते हैं। तो पूर्णांक में जानते हैं ना तोड़ते हैं कैसे, नहीं जानते हैं, चलिए वो भी मैं सिखा देता हूँ। याद रखिएगा पूर्ण रूप से भाग हो जाएगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी अगर यहाँ ऊपर में 8 होता है तो 4 × 8 वो कट गया, यानी वो मेरा आंसर हो जाता। लेकिन हमको पता है कि ये 100 का ना होकर 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, चेंजिंग किया जा सकता है। इसके लिए हम इसको तोड़ेंगे, तो अगर देखा जाए तो ये भाग लगेगा पूर्णांक में, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2, 4 × 2 कितना होता है, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, और ये हो गया आपका 4, 8 × 2 = 10 होता है, 8 × 2 कितना होता है, 10 होता है। यहाँ देखिए 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10। अब ये कहेंगे कि सर ये समझ में उतना नहीं आया कि कैसे 4 नीचे लिख दिए, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये कैसे हो गया। चलिए इसके लिए हम भाग देते हैं, तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका 4, 4 से भाग दे रहे, और ये हो गया आपका 10, ये क्या हो गया आपका 10 हो गया। अब इसको हम भाग देते हैं, तो यहाँ भाग दीजिएगा, 4 × 2 = 8 आया, 8 आने के बाद इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो देखिए ये 4, ये 4 है आपका, अब ये 2 है तो ये वाला 2 है, और ये 2 है तो ये 2 है, और जब भी इसको मैनेज करेंगे तो कैसे होगा, 4 × 2 = 8 और 2 = 10, यानी 10/4 हो गया। अब हमारा दिख रहा है कि ये क्या हो गया, 2, ये क्या हो गया मेरा, 2 घंटे हो गए, कितना हो गए, 2 घंटे हो गए, और ये बच गया मेरा कितना, 2/4। इसको अलग कर लीजिएगा और 60 से गुणा कर दीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, 2/4 अलग कर लीजिएगा, इसको भी आप आराम से काट सकते हैं, लेकिन चलिए जैसा है वैसे ही लिखते हैं, 2/4 लिख दिया मैंने, और इससे किससे काटना है, 60 मिनट का होता है 1 घंटा, इसीलिए 60 से इसे भाग देंगे। तो अब इसको काट देते हैं, काटेंगे तो क्या होगा, 4 से 60 में भाग देंगे तो आपको भाग देना आता होगा, तो 15 × 4 = 60, यहाँ हो गया 15, यहाँ कितना हो गया 15, अब ये हो गया कितना, 15 × 2 यानी 30, 2 घंटे 30 मिनट, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है और आराम से आप बना सकते हैं। इस तरह के जब भी प्रश्न आए पक्का है कि क्वेश्चन आएगा इस तरह का, ये क्वेश्चन निश्चित ही आएगा यहाँ से, लेकिन इससे थोड़ा सा टफ आएगा, उसमें मतलब 1 घंटे ना दे के यहाँ 4 घंटा 5 घंटा कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमको कुछ नहीं करना, अगर ये 4 घंटा देगा ना तो यहाँ 4 घंटा कर देंगे, 5 घंटा देगा 5 घंटा कर देंगे, जो जैसा देगा ऐसे बैठा के इसको भाग देंगे। अब जब भाग देंगे देखिए 5 घंटा 4 घंटा किया तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 4 = 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 × 4 = 40। याद रखिएगा गुणा करना है दोनों को, ये 4x जैसे गुणा हुआ वैसे, और गुणा करने के बाद अगर कट गया तो वो मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर नहीं कटा तो उसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, पूर्णांक में तोड़ना मैंने बता दिया। उसके बाद जो ये दोनों बच जाएंगे, ये दोनों जो बच जाएंगे उसको हम 60 से केवल गुणा कर देंगे, 100 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 100 से अगर करेंगे तो वो घंटा में नहीं चेंज हो जाएगा, किसी और चीज में चेंज हो जाएगा, जबकि हमको पता है कि ये मिनट में आया, दशमलव के बाद क्या है, मिनट में आया, 60 से केवल गुणा कर देना, कुछ नहीं है, आराम से बना लीजिएगा, और एक नंबर यहाँ पे आपका फिक्स हो जाता है अगर ऐसे आप बनाते हैं तो। समय से संबंधित कुछ भी आएगा आप ऐसे बनाइएगा, निश्चित ही सही हो जाएगा, जब भी दशमलव में आएगा तो ऐसे ही बनाना है आपको, पूर्णांक में तोड़ के और उसके साथ गुणा कर देते हैं। ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंसान जाके फंस जाते हैं, समय को तोड़ नहीं पाते, डायरेक्ट दशमलव में भाग दिए और वो दशमलव वाला आंसर रहेगा, यानी यहाँ पे आपका कितना होता, अगर दशमलव में भाग देते तो 2.50 आता है, ये कितना आता है,
2.50 था। अब पूछिएगा आपकी सर आपको कैसे मालूम 2.85 आएगा, क्योंकि ये 60 का आधा है ना, 60 का आधा ये 30 है। अब मुझे पता है कि 100 का आधा क्या होता है, 50 होता है, तो ये इतना आता और ये इतना आएगा। तो ये चीज देख के आप हमेशा बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एक नंबर आप आज ही फिक्स कर लेते हैं सीटेट में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है। आगे फिर से मैंने क्वेश्चन डाला है, मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती है। देख लीजिएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती है। मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी, 3.5 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी। तो इसको तो मैं चाहूंगा कि आप बना लीजिए, मैं यहां पे बता देता हूं। ये बोल रहा है कि प्रति घंटे, मुझे कुछ नहीं करना, 1 घंटे में बोल रहा है कि 20 घंटे, प्रति घंटे यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक है, इतना पता है 1 घंटे में 20 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है कि 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी, 3.5 घंटे यानी यहां कह रहा 3 घंटा 1/2 मिनट, यानी 3.1/2 में ये कितने घंटे चलेगी, ये कितने घंटे चलेगी। तो इसको क्या करना है, इसको यहां पे करना है, तो इसको मैं मान लेता हूं x, और इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। केवल गुणा करना है, केवल क्या करना है, गुणा करना है। तो इसको गुणा कीजिए तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 20 में 3 से गुणा कीजिए, पहले 20 × 3, देखिए कितना आसानी से बन रहा है, 20 × 3 कितना आया, 20 × 60 कितना आ गया आपका, 20 × 60। अब यहां पे देखिएगा ये 1/2 है, कितना है, 1/2 है, तो एक तो आपका आ गया 60। अब 1/2 ये प्लस का साइन होता है, बीच में क्या हो जाता है, प्लस का साइन होता है। अब 1/2 के लिए क्या करेंगे, देखेंगे को इसका गुणा करेंगे 1/2 तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1/2 यानी 10 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर बन गया आपका। ऐसे भी अगर इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, 7/2 हो जाएगा, कितना होगा, 7/2 हो जाएगा। और गुणा कितना करना है हमको, 20 से करना है, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 से करना है, अगर 2 से ये काटिएगा 10 हो जाएगा, 10 × 7 यानी 70 किलोमीटर। जैसे बनाना है वैसे बनाइए, 50 फॉर्मूले हैं इसके, आराम से बन जाएगा। दूसरा है 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये मैं चाहूंगा कि आप बनाइए, 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। मैं फॉर्मूला फिर से बता देता हूं, देखिए ये हो गया आपका 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, और यहां पे आ जाता है 85, और ये हम मान लेते हैं कितना, x, ये कितना मान लेते हैं, x। अब इसको आपको ऐसे गुणा करना है, फिर इसको तिरछा गुणा करना है, फिर क्या होगा, 85 ऊपर चला जाएगा और 20 आपका नीचे आ जाएगा, और उसे गुणा करके जितना आएगा उसको आंसर में लिख देना है। अगर दशमलव में आएगा तो उसको पूर्णांक में लगा के और उसको क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, पूर्णांक वाला डायरेक्ट हो जाएगा, और इसको 15 वाला, 15 कैसे आएगा, तो उसका 60 से गुणा करेंगे तो वहां पे 15 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, बन भी जाएगा आपसे, कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम निश्चित ही बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप सीटेट 100% क्वालिफाई हो। हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछली लाएगी। अब देखिए ये चक्कर वगैरह है कुछ, इसको हमें देखना है। तो यहां देखिए लट्ठे की नाव 20, एक चक्कर में मछली पकड़ती है 20, नाव की चाल 1 घंटे में कुल कितनी दूर जाएगी, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछली लाएगी, 7 चक्रों में, कितना चक्कर में, 7 चक्रों में, तो कुछ नहीं करना, एक चक्कर में कितना है 20, तो सब में 7 से गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करना है, नहीं करना है, सब में 7 से गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे पहले का देखे लट्ठे की नाव में कितना है, 7 × 14 यानी 140। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी, 6 घंटे में कितनी दूर जा पाएगी। तो देखिए यहां मोटर बोट कहां गया, यहां, तो मोटर बोट देखिए 1 घंटे में कितना जाती है, 20 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना जाती है, 20 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि मोटर 6 घंटे में, यानी ये 6 घंटे में कितनी दूर जाएगी, कितनी दूर जाएगी, यानी ये पूछ रहा है, ये यानी x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 12 120 किलोमीटर। कुछ करना है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे बैठा देना है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, समय के नीचे समय, बस केवल एक चीज यहां याद करना है कि जब इसको भाग देंगे तो
तो अगर दशमलव में आएगा तो क्या होगा, दशमलव में जब आएगा तो उसको हम 60 से गुणा कर, पूर्णांक में तोड़ के और उसे 60 से गुणा करके जो आएगा वो आंसर लिख देते हैं, वो मिनट हो जाता है मेरा। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर लंबी पूंछ की नाव को, लंबी पूंछ कहाँ है, ये है, लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वो कितना समय लेगी, 60 किलोमीटर जाना पड़े, ये है 12। देखिए इसको भी बना देते हैं, देखिए ये कट जाएगा आपको, 12 5 60। देखिए बनाते कैसे, ऐसे डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा इस तरह का, मतलब कीजिएगा आप सॉल्व तो एकदम लगेगा कि बैठ गया दिमाग में, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होता है, ये बोला कि लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो उसे कितना समय लगेगा, तो वो चलता कि 1 घंटे में कितनी दूर जाती है, तो 1 घंटे में लंबी पूंछ 12 किलोमीटर, 1 घंटे में लंबी पूंछ जाती है 12 किलोमीटर, ये 12 हो गया। अब ये करा कितना, यानी यहाँ एक्स कितना समय लगेगा कि वो जाएगी 60 किलोमीटर, तो ये देखा जाए तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ये इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब ये यहां पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 से भाग लगेगा, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 60, यानी 5 घंटे, कितना घंटा है, 5 घंटे। याद रखिएगा यहाँ पे मिनट और घंटा में आंसर दिया होगा, तो मान लीजिए अगर मिनट में आंसर दिया तो 5 घंटे आ रहे, 5 आ रहा आपका आंसर, आप घबरा जाइए अगर 5 दिया ही नहीं है, तो हो सकता है वो मिनट में आंसर दिया होगा तो उसे क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि क्या दिया है, मिनट में आंसर दिया है कि घंटा में दिया है, उसको तब्दील आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। तो ये देखिए आंसर हो गया। आप ये भी सोच सकते हैं कि हम डायरेक्ट भी तो यहाँ आंसर भाग दे सकते थे, सोच सकते हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ 2 लिखा हो, इसीलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ कि 2 लिखा होगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा, 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी 2 घंटे में वो 12 किलोमीटर चलती है, तो इतने घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी, फंस गए ना, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, उसे आराम से समझिएगा, निश्चित ही सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है, मछली सूख जाती है तो उसका वजन कितना हो जाता है, 1/3। उन्होंने 1 महीने में 6 किलो ताजा मछली सुखाने का ये विचार किया, तो बताइए इसका कितना, अगर मछली होगी तो कितना हो जाएगा, तो 1/3 है, यानी 1/3 से उसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये देखिए 6000 है, अब कह रहा है कि 1/3 सुखाने पे बच जाती है, तो लीजिए ना हम कर देते हैं, 1/3 कितना होती है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी ये हो जाएगा आपका 2000। अब 3 0 यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, को उन्होंने 1 महीने में कितनी सूखी मछलियां मिलेंगी कि 2000, ये तो बन ही गया आपका। अब देखिए फिलोरम्मा सबसे पहले 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना करेगा, 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए गणना है। हमने ताजी मछली खरीदी 15 रुपये प्रति किलोग्राम, हमने सूखी मछली बेची 70 रुपये प्रति किलोग्राम। अब देखिए 6000 का निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 1000 को छिपा के 6000 का निकाला गया, ये एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स आपके सामने आएगा कि 6000 का निकालना है तो आप यहाँ पे 6 का निकाल लेंगे, उसके बाद 1000 से गुणा कर देंगे, वो आपका बेनिफिट निकल जाएगा। देखिए कैसे 6 का निकालने के लिए कहा है, 6 किलोग्राम ताजा मछली सुखाकर हमें मिलती है, तो 6 किलोग्राम का कितना मिलेगा, तो 6 किलोग्राम का देखिएगा तो 6 1/3 मिलता है ना, सुखाने पे 1/3 हो जाता है, तो ये 1/3 हो गया, अगर 3 दूनी 6, ये मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, यानी ये आपका हो गया 2 2 किलोग्राम सूखी मछली आपके पास। अब हम 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए देते हैं, 6 किलोग्राम ताजा मछली के लिए देते हैं, तो ताजा मछली के लिए कितने रुपये देंगे, तो 6 गुणे कितना है, ये ताजा मछली खरीदने के लिए कितने पैसे लगते हैं, तो 15 रुपये लगते हैं, कितने लगते हैं, तो ये मेरे 15 रुपये लगते हैं, तो दोनों गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 15 6 90। वैसे इसको गुणा कीजिए, 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे, 2 किलोग्राम कैसे आया था, 3 दूनी 6 आया था, इसी का निकालना, आराम से देखिएगा, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझाता है, कैसे बच्चों को समझाया जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप है, तो ये 3 दूनी 6 आया था, वही 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे कितना, 2 गुणे, अब 2 गुणे कितना हो जाएगा, सूखी मछली का दाम कितना है, 70 रुपये है, यहाँ कर देते हैं 70, यानी ये कितना हो जाएगा, 140 रुपये, कितना हो जाएगा, 140 रुपये। अब घटाना है तो 1 तो 90 आ गया यहाँ पे 90, अब किसमें से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 140 में से, किसमें से घटाएंगे, 140 में से, अब 140 में से 90 जाएगा कितना आएगा, को अब 10 50 आ जाएगा, अब ये घटा लीजिएगा, नहीं घटाना आता है वो भी बता दूँ, तो 0 में से गया 0 0,
यहाँ 14 में से 9 हो गया 5, 9 5 14, तो ये हो गया 50। लेकिन अगर हम 6000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें कितने मिलेंगे? तो जाहिर सी बात है कि हमने देखा था 6 किलोग्राम का कितना आया था, 50 रुपये, तो ये हो गया मेरा 6 किलोग्राम का, और गुणा किससे कर देंगे तो हमें 1000 बढ़ा दिया, 1000 हमने क्या किया बढ़ा दिया, तो उसे गुणा कर देंगे यानी कितना हो जाएगा, टोटल 50000 रुपये फायदे। टोटल कितने हुए, 50000 रुपया फायदा। अब आप भी मछली का क्या कीजिएगा, अगले दिन से करना स्टार्ट कीजिएगा क्या बिजनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से हम इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न आता है, अगर इसमें सीटेट में पूछेगा इस तरह का प्रश्न, तो ये प्रश्न दिया जा सकता है, तो इस तरीके से आराम से हल कर दीजिए। अगर 6000 वाला आया तो डायरेक्ट 50000 बनाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं झांसी। मैंने पता लगाया है कि हमें एक महीने 6000 किलोग्राम मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए उसको रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, नमक की। नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम है, नमक की कितना है 2 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर देखा जाए तो नमक कितना लग जाएगा, 15 × 2 = 30, यानी ये हो जाएगा आपका 3000 रुपये। 1500 आएगा, दो बार 1500 जोड़ भी सकते हैं, 2 से गुणा भी कर सकते हैं, तो 15 × 2 = 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 आपका। अब चलिए ये कैसे गुणा किया मैंने, 15 × 2 = 30, यानी ये 15 और ये 2, दोनों को गुणा किया तो ये हो गया 30, और ये 2 जीरो है तो मैंने ये 2 जीरो यहां बैठा दिया। पैकिंग और बस किराया कितना लगा, को 3000, को ये दोनों देखिए 3 × 3 = 6000 हो गए, यानी टोटल और खर्चा कितना पड़ रहा है मेरा, 6000 रुपया। इस तरह मछलियों को सुखाने और बेचने का मासिक खर्चा कितना आया, 6000 रुपये, दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया 6000 रुपये, यानी इसके लिए मासिक खर्चा मेरा आ गया 6000 रुपये दोनों को जोड़ने के बाद। अब टोटल देखा जाए, इतना 6000 एक्स्ट्रा खर्च हुआ, 50000 रुपया हमको फायदा हुआ था, और टोटल अगर हमको देखा जाए तो कितना बेनिफिट हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, तो ये बेनिफिट हुआ 44000, क्योंकि 50000 था, 50000 में से 6000 घटाएंगे कितना आएगा 44000 रुपये। समझ गए, इस तरह के प्रश्न आएगा निश्चित ही हल कर देंगे, अगर इतना सारा परिश्रम भी करना पड़े तो आराम से हल हो जाएगा। उसमें नमक वगैरह भी लगाना पड़ेगा, उसको जोड़ के आप आराम से निकाल लीजिएगा, तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मिनी, यहां आओ यहां आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियां सार्डिन 40 रुपये किलो। ग्रेसी, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो स्वाड मछलियां 60 रुपये किलो। देखिएगा ये मछली के अलग अलग नाम है और सब में अंतर है, ये सारा चीज देख लीजिएगा। वैसे मछली जो खाते हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, मछली दिख रही है। चलिए 60 रुपये किलो हो गया। फिलरोमा, छोटी झींगा मछली 150 रुपये किलो। और कारू थम्मा स्क्विड 50 रुपये किलो बेचती है। देखो फजला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंग फिश को उठा पा रही है। वो कहती है यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मतलब ये कितना है, 8 kg की है, मैं इसे पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी। कितने रुपये में बेचेंगी ये, पूरे 1200 रुपये में इसका। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसी से है, फाजिया ने बड़ी मछली किंग फिशर को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा। तो ये किंग फिश कहाँ थी, किंग फिश यहाँ है, और ये 1200 रुपये था, कितना 1200 रुपये था, और 8 किलोग्राम था, तो कितने रुपये हो जाएगा, तो 8 से भाग दे दीजिए, वो आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका रेट, को ये इसको काट दीजिए, को ये हो जाएगा 8 × 8 = 8, 4 इधर है, 8 × 5 = 40, यानी लगभग आपके हो जाएंगे 150 रुपये। भाग देना आता है, भाग दे के आंसर निकाल लीजिएगा, 8 × 8 = 8, 8 के बाद घटाइए उसको, 8, 9, 10, 11, 12, 4, और ये 0 बैठे हो जाएगा तो 40, 8 × 5 = 40, 50, और एक 0 बच गया, ये 0 यहाँ लिख दिया, आगे आंसर 150। चलिए आगे इसी से क्वेश्चन है, आज फिल्लो रम्मा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे। फिल्लो रम्मा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, तो 10 से गुणा हो जाएगा, फिल्लो रम्मा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है। अब देखिए झींगा कहाँ लिखा गया, झींगा मछली 150 रुपये किलो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 1500। ग्रेसी 6 किलोग्राम स्वाड फिश बेची, 6 किलोग्राम स्वाड फिश बेची, स्वाड फिश कहाँ है, ये नहीं स्वाड फिश, यहाँ स्वाड फिश कहीं लिखा होगा, स्वाड, ये देखिए स्वाड फिश लिखा है यहाँ पे, 60 रुपये किलो है, बेची कितना 60 रुपये किलो है, तो 6 किलोग्राम को 6 × 6 = 36, यानी 360 रुपये, कितना हुआ 360 रुपये बेची। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए, मिनी ने कितने, उसी के पैसे, यानी 360 रुपये ये मिनी
ग्रेसी जितने ही, मतलब जितना ग्रेसी का है उतना मिनी ने ही कमाया। मिनी ने कितना कमाया? 360 रुपये। मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है? कितने किलोग्राम सार्डिन? 360 रुपये है, यानी कितने किलोग्राम सार्डिन बेची? सार्डिन 40 रुपये है, तो ये देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 360, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 40। अब काट दीजिए इसको, ये हो गया इसे कट गया, ये हो गया यहाँ लिख गई। तो पढ़िए चार का पढ़, चरका चार, चारनी आठ, चतरे 12, चार चौके 16, चार पंच बीस, चार 24, चार अट्ठे 32, चार नवा 36, ये हो गया 9 किलो। आंसर सही है, चलिए सही है, तो इसका भी 9 किलो आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद अच्छा एक और है, बसीर के पास 100 रुपये हैं। बसीर के पास कितना है? 100 रुपये हैं। उसने एक चौथाई पैसे स्क्वीड पर खर्च किए, एक चौथाई। अब 100 का एक चौथाई निकालिएगा तो कितना होगा? 100 × 1/4 यानी 1/4। तो ये होता है आपका 25 चौका 100, यानी 25 रुपये का उसने ये खरीदा, खर्च किए। और 3/4 यानी 100 का 3/4 कितना होगा? डायरेक्ट आप देख सकते हैं 3/4 यानी कितना होगा उसका? 75 रुपये। ऐसे भी देखेंगे वो 1/4 और 3/4 मिला देंगे तो 1 रुपये बन जाएगा पूरा। चलिए उतना लेंदी मैं नहीं करूंगा, नहीं तो आपको समझ के बाहर हो जाएगा। ये देखिए ये इतना हो गया, तो इसको भाग देंगे तो ये सबको काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 25। ये देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 × 75 यानी 75 रुपये उसने क्या किए? 3/4 मतलब 3/4, 1/4 मतलब 1/4, 3/4 मतलब 3/4, और 100 का ही किया था उसने। को यहाँ हो गया आपका 75 रुपये, यहाँ हो गया 25, तो 25 रुपये का स्क्विड खरीदा। अब स्क्विड का दाम देखना पड़ेगा हमें, स्क्विड 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 स्वाड है, सार्डिन है। अब हमें स्क्विड नहीं मिल रहा है, झींगा मछली है। स्क्विड 50 रुपये किलो है, और उनके पास क्या है? कितना रुपये था? 25 रुपये को कितना हो जाएगा? आधा किलो। दूसरा देखते हैं क्या खरीदा उन्होंने, झींगा मच्छ। दूसरा उन्होंने क्या खरीदा? झींगा मछली है, 75 रुपये है उनके पास। झींगा मछली, झींगा मछली 150 रुपये किलो है, तो 150 रुपये किलो में उनके पास कितना? 75 है, यानी आधा किलो ये भी खरीदा। यानी दोनों कितना खरीदे इन्होंने? आधा आधा किलो खरीदा। अब यहाँ पे आगे फिर से प्रश्न है, ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। ग्रेसी को क्या करने के लिए पैसे चाहिए? जाल खरीदने के लिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती है, झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती है, इसलिए वे बैंक से कर्ज ले रही है, वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगे। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये कर्ज लिए, 4,000 रुपये उन्होंने क्या किया? कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। अब 1 साल तक यानी 345 गुणे कितना हो जाएगा? 12। तो कितने पैसे बैंक को जमा करेंगे? वही होगा 345 गुणे 12, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। कोई इतना से गुणा करेंगे तो मेरे ख्याल से इतना आएगा, वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह 21,000 रुपये उन्होंने लिया और इतना रुपया उन्होंने ये किया, जमा किया। तो यहाँ दोनों में अंतर देखिएगा, यहाँ पे क्या है, समय 1 साल दिया गया है और ये महीने का दिया गया है, महीने का पैसा दिया गया है। उसने इतना रुपये हर महीने जमा किया और इन्होंने क्या किया, कुल मिलाकर इतना रुपये जमा किया। दोनों में अंतर याद रखिएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल बढ़ा रहा। और इसमें क्या किया उन्होंने, कुल रुपया इतना जमा किया, कितना महीने में जमा किया? 12। इसे हम भाग दे देंगे, कुल का भाग दे देंगे तो आपको हर महीने का पैसा निकल जाएगा, बन जाएगा। कुछ नहीं करना, इसको इससे कटा दीजिएगा तो आपका इतना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गणित का जादू पुस्तक 4 में हमने लाख संख्या के बारे में सुना था। लाख संख्या के बारे में किसमें सुना था? पुस्तक 4 में। जो 100,000 के बराबर होती है, और लाख किसके बराबर होता है? 100,000 के बराबर। 100 लाख के लिए हमारे पास एक नया नाम है, करोड़। और यहीं पे लेसन 1 आपका कंप्लीट होता है। अब हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और लेसन 2 भी देख लेते हैं, आकृतियां और कोण। कोण के बारे में मैं बता देता हूँ, ये सारा चीज तो लिखा है। देखिए ये होता है, इसको हम कहते हैं समकोण। इसको क्या कहते हैं? समकोण। ये 90 डिग्री का आपका होगा, एकदम सीधा होगा, और इसका जो मान होता है ना, ये मान हम निकालते हैं, इसको हम लोग कोण कहते हैं। कोण विभिन्न तरह का हो जाएगा, ये आपका छोटा भी हो सकता है, तो इसको हम करेंगे न्यून कोण। अगर ये 90 डिग्री से ये दोनों छोटा हो जाएगा, यानी ये देख रहे हैं इसका एंगल थोड़ा छोटा है, नीचे चला गया, इसको कहेंगे न्यून कोण। अगर यही ये बड़ा हो जाएगा, यानी ये नहीं हो पाया, ये चाहे ऐसे खींच दीजिए इसको, इसको कहते हैं अधिक कोण। इसका जो मान होगा वो क्या होगा? अधिक कोण। यहाँ पे देखिए कोण जाचक को देखे, कोण जाचक होता है उसको देखने के लिए बोल रहा है। कोण जाचक आप देख लीजिएगा, कोण को मापने के लिए होता है, ऐसे करके होता है।
या अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुल गया है, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुल गया है, यह एक समकोण है, यह क्या है, एक समकोण है, हम इसके लिए एल लिखते हैं, हम इसके लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। और अगला अभ्यास का प्रश्न है, इसमें देखना है कौन समकोण है, तो आप इसके देख के लगा लीजिएगा। देखिए ये कम दूरी है तो ये क्या हो जाएगा, समकोण से कम है, और अगर ये अधिक है तो देख लीजिए इसका क्या है, ये समकोण से ज्यादा है, यहाँ टिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है तो इसका भी निकाल लीजिएगा, इसका भी निकाल लीजिएगा, ये अधिक कोण है तो यहाँ निकाल लीजिएगा, समकोण से ज्यादा है यानी अधिक कोण होगा। बार बार अधिक कोण इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका नाम ही अधिक कोण है, और समकोण से कम को न्यून कोण कहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट निकल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, समकोण से कम लिखना है, समकोण से ज्यादा लिखना है, और जो समकोण है उसे समकोण लिखना है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा अगर ऐसे बन के आता है 90 डिग्री, ये पूछा नहीं जाएगा, बस समझने के लिए स्टार्टिंग है। समकोण को काले रंग से रंगना है, इसमें देखिए ये क्या है आपका समकोण है और ये क्या है अधिक कोण है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, देख के आपको लगा लेना है कि कौन समकोण है कौन, ये क्या है आपका न्यून कोण है यानी समकोण से कम है, अधिक कोण है यानी समकोण से ज्यादा है, ये देखिए दोनों 90 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा आपका समकोण है, दोनों सीधा रहेगा तो समकोण है, ठीक है, ये सीधा रहेगा समझिए एकदम निश्चित समकोण है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें नाम में छिपे कोण, ये घड़ी का भी साइन है, इसमें घड़ी में कुछ बताया गया था कि यहाँ पे इतना कोण बनते हैं, यहाँ पे इतना कोण बनते हैं, जैसे 90 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री, ये 180 डिग्री, कुछ खास नहीं समझाया था, जैसे इसके बारे में कुछ स्पेशल आता है तो मैं जरूर बताऊंगा, मैंने इसलिए डाल दिया कि अगर पूछेगा तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, अगर देखिए ये यहाँ आ गया तो 180, ये यहाँ आ गया यानी सीधी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा कोण, इसका मान कितना हो जाएगा, अगर इसका पूछ रहा है तो ये 180 डिग्री, और दोनों एक साइड में है तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यही बताना चाह रहा है, ऊपर में चला गया तो कितना हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये बताना चाहता था इसलिए मैंने डाल दिया, कुछ खास नहीं है इसमें। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नाम के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं, अब ये देख लीजिए लिखा हुआ है SUKHME, सुखमैन लिखा है, अब इसमें देखा जाए तो ये क्यों मैंने लिखा है, ये देखने के लिए लिखा, मेरे नाम में 11 समकोण है, इसमें 10 कोण ऐसे भी है जो समकोण से कम है, 11 इसके नाम में है, और इसमें क्या है ऐसे भी जो समकोण से कम है, अगर ये नाम दे के पूछ देता है कभी, मान लीजिए बाई चांस कभी पूछ देता है तो ये याद रखिएगा, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, और ये भी कुछ खास नहीं था लेकिन मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आप लोग देख ले, 6 माचिस की तिल्लियों में 8 त्रिभुज बना, अब पूछा जा सकता है कि 6 माचिस की तिल्लियों से कितना त्रिभुज बना सकते हैं, तो 8 त्रिभुज बना सकते हैं, इसका आंसर भी नीचे आपको मिल जाएगा, ये रहा ये त्रिभुज बनाया है, और दूसरे का मछली वाला ये है, 8 माचिस की तिल्लियों से दी गई मछली बनाओ, अब मछली माचिस की किन्नी 3 तिल्लियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली की उल्टी दिशा में तैरती नजर आए, अब ऐसा है तो ऐसे दिखा देना है आपको उल्टी दिशा में ये तैरती नजर आएगी। इसके बाद घर बना देता है, 10 माचिस की तिल्लियों से यह आकृति बनाओ, माचिस की 5 तिल्लियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर आकर बन जाए, घर का आकार बन जाए, तो ये बन गया इसका, तो यहाँ पे 10 माचिस की तिल्लियों से क्या बना सकते हैं, तो आपका घर बना सकते हैं, 8 माचिस की तिल्लियों से क्या बना सकते हैं, वो तैरती हुई मछली बना सकते हैं, 6 माचिस की तिल्लियों से 8 त्रिभुज बना सकते हैं, बस यही कंसेप्ट था, बाकी सब आप खुद देख लीजिए, कुछ खास नहीं। और यहाँ पे नया चीज हमें मिल रहा, या डी तुम्हें अपनी ज्यामिति बक्से में मिलेगा, मेरे सिर के मुकुट के कोण को नापो, अब इसके कोण को नापना है, बस यही चीज दिखाया गया था, यानी आपको बता रहा है ज्यामिति के जो भी टूल्स है उसको बाहर निकलवा रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं, और अगला लेशन है कितने वर्ग, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपका वर्ग स्टार्ट हो रहा है, वर्ग के साथ आयत की भी चर्चा की गई है, देखिए कैसे, ये देखिएगा, ये हमेशा बढ़िया से देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक खंदा है, एक खंदा, एक खंदा, एक खंदा, एक खंदा, एक खंदा, फिर ये भी एक खंदा, फिर ये भी खंदा, और ये 1 सेंटीमीटर का है, कितना है, सब 1 सेंटीमीटर का वर्ग है, सब एक बराबर है, अगर कोई इसी को नापना है हमको तो देखा जाए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये है, 6 ये है, 6 ये, 6 6 12 36 18, तो पहले वाले में कितना वर्ग लिया गया है अगर पूछ ले तो 18 वर्ग लिया गया है, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या निकालेंगे, कुछ जितना ये अंदर में लिया गया है यानी 18 सेंटीमीटर, एक का कितना है, एक का अगर एक मान है तो टोटल 18 है, तो इसका हो जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर, 18 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। आप क्वेश्चन भी जब इससे संबंधित बनाते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, अगर इस तरह का पिक्चर वगैरह दे देता है तो काउंट करके तुरंत लिख देना होता है,
देखिए अभी यहाँ पे दिया गया है डाक टिकट डी। अब डाक टिकट डी कहाँ गया, ये 12 वर्गों से ढक रहा है, 12 वर्गों से, यानी ये कितने वर्गों से ढक रहा है, 12 वर्गों से। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 4 12, 12 वर्गों से ढक रहा है। और वर्ग का किनारा, यानी एक वर्ग का किनारा जो है 1 सेंटीमीटर, हर वर्ग का किनारा 1 सेंटीमीटर है, यानी एक का कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसलिए डाक टिकट डी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। कुछ नहीं करना है, काउंट करके लिख दिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह आंसर देखा जाए तो सब बना ही सकते हैं, नीचे में बना भी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है, ए तो ये कितना हम निकाले थे, पहला वाला ए होगा तो ये 18 निकाले थे, 18 होगा क्षेत्रीय का 18। दूसरा देखा जाए तो, और डाक टिकट बी को ये 4 होगा, 4 × 2 = 8, दो बार में होगा, देखिए ये 1 2 3 4 4 × 2 = 8। हमको नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी, आराम से बना लीजिएगा। और ए का 18, अब पूछ रहा है कि किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो ए का है सबसे ज्यादा 18 था, और भी काउंट कर लीजिए सबसे ज्यादा उसी का मिलेगा, 1 सेंटीमीटर है तो कितना घटेगा, या डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है, तो कितना वर्गों को ढकता है, तो ये 18 वर्गों को ढकता है। अब देखिए इसमें है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझिएगा, इसमें कितने वर्ग, देखिए ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, यहाँ बे दोनों में देखिए आधा आधा है, देख रहे हैं ना, आधा आधा है, तो कितने वर्गों को ये पूर्ण रूप से ढकता है, तो एक वर्ग को पूर्ण रूप से ढकता है। ठीक से ध्यान से देखिएगा, ये चीज आपको आगे मिलेगा। क्या यह आकृति बड़े आयत की आधी है, जाहिर सी बात है बड़े आयत की आधी है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल वाले आयत का आधा है, इसलिए इसका कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा, इसका आधा है यानी 1 सेंटीमीटर, 2 का आधा करेंगे यानी 1, इसलिए उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी इसका आधा है, तो टोटल का काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 है टोटल, तो 8 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का आधा कर दीजिए 2, तो 4 × 2 = 8, यानी ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 1, सब आंसर मिला लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब यहाँ पे अभ्यास का प्रश्न, यह आकृति एक भुजा है, आकृति को इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए, इस तरह पूरा करो कि इसका कितना हो जाए, 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। चलिए इसको हम पूरा कर देते हैं, ये देखिए तिरछा ऐसे खींच दीजिए और यहाँ पे ऐसे खींच दीजिए, कितना हो जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। पूछिएगा कैसे, देखिए एक खंधा पूरा 2, और यहाँ देखिए ये आधा है, ये आधा है, ये कितना हो गया, मतलब ये आधा है और ये आधा, तो ये हो गया आपका 2 ये 1 3, और इधर देखिए ये आधा है, ये आधा है, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर पूरा हो गया। चलिए इसी तरह का देखिए आंसर भी यहाँ पे बना दिया गया है, इसका भी बनाना है। तो यहाँ आकृति की 2 भुजाएं दी गई हैं, आकृति को कुछ इस तरह पूरा करो कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। चलिए ये आधा है, ये आधा है, ये कितना हो गया 1, मुझे ऐसा कुछ और करना होगा कि ये कितना हो जाए, अब देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये यहाँ जाके मिल जाएगा, ये सीधा जाके मिलेगा अपना, तो ये भी आधा, ये भी आधा, 1 हो गया, ये भी आधा, ये भी आधा, 1 हो गया, ये कितना हो जाएंगे 2 वर्ग सेंटीमीटर। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो निश्चित ही आप हल कर लीजिएगा। इसमें आगे दिया गया 3 और 4 कक्षा में अलग अलग आकृतियों जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, षटकोण, वृत्त आदि के उपयोग से फर्श पैटर्न बनाकर देखा गया था कि वह बन जाता है या नहीं। अब बच्चों को उन्हीं आकृतियों में थोड़ा परिवर्तन लाकर अलग अलग आकृतियों बनाने को कहें। ऊपर के अभ्यास से छात्रों को यह पता लग जाना चाहिए कि वर्ग की मदद से कितनी अलग अलग आकृतियों को बनाया जा सकता है, ये पता लग जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख लिए होंगे, और साथ में ये चीज कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हल कर लीजिएगा। लेशन नंबर 4, हिस्से और पूरे, ये पहला अभ्यास का जो समय का क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा चेंजिंग करके पूछा गया है। प्रश्न क्या है, मंजू के पास एक चॉकलेट थी, उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 6/6 शीला को दिया, बाकी हिस्सा उसने खा लिया, हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले यहाँ लिखो। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये चॉकलेट हो गया, इसमें टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 6 × 12, यानी जब प्रश्न पूछा गया था उसमें टोटल चॉकलेट या जो भी उसमें दिया गया था वो बताया गया था, तो इसमें देखा जाए तो टोटल इसमें चॉकलेट कितना है 12।
अब 12 में प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो यहां पे बोल रहा है कि एक चौथाई राज्य को, यानी 12 का एक चौथाई राज्य को, तो 12 का एक चौथाई डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, नहीं आता है तो एक चौथाई 1/4, एक चौथाई का मतलब 1/4, तो 4 3 12 ये कितना है 3, तो यहां मेरा क्या हो जाएगा 3। आई बात समझ में, ठीक से समझिएगा, गलती मत कीजिएगा। इसके बाद एक तिहाई सुगंधा को, यानी 12 का एक तिहाई, 12 का एक तिहाई, एक मतलब 1/3 मतलब 3, तो 1/3 मतलब 3 4 12, दूसरे को कितना मिला 4, सुगंधा को 4 मिल गया। अब इसके बाद अगला है छठा भाग शिला को दिया गया, छठा भाग मतलब 12 का छठा भाग, 12 का छठा भाग यानी 1/6 यानी 6 2 12, ये कितना होगा 2। अब इसके आगे लिखा गया है बाकी हिस्सा उसने खा लिया, जो बचा वो उसने खा लिया, कितना बचा, तो 4 3 7 7 2 9, 4 3 7 7 8 9, टोटल हुए 9। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां लिखते हैं हम 12, 12 में से जो घटेगा 9 वो हो जाएगा मंजू ने खा लिया, 9 के बाद घटाइए 10 11 12, यानी ये बचते कितने हैं 3, मंजू को कितना मिला 3। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं यहां बना हुआ है सुगंधा को 4 है, ये सुगंधा 4, शीला को 2 है, शीला का 2, और यहां पे मंजू को 3, मंजू को 3, ऐसे मिल गया सबको। और यहां पे मान लीजिए कि टोटल चॉकलेट का दाम अगर नहीं दिया हो तो कैसे बनाएंगे, तो इस तरीके से अब बना सकते हैं। एक चॉकलेट है तो एक चॉकलेट में किसको कितना कितना दिया गया, तो एक को दिया गया 1/4, एक को दूसरे को दिया गया 1/3, तीसरे को दिया गया 1/6, तो एक में माइनस में से सबका बटा का जोड़ निकाल लेंगे, ये 6 3 4 का बटा का जोड़ आएगा 12। अब 12, 12 आने के बाद पहले का कैसे करते हैं हम लोग, को 4 3 12 यानी 3, 3 4 12 ये 4, क्योंकि ऊपर वाले से हम गुणा कर देते हैं, 6 2 12 2 आया, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9/12, 12 - 9/12, इसको देखा जाए तो बराबर 3/12 आएगा 1/4, ये क्या हो गया 1/4, एंड 1/4 ऑफ 12, 1/4 ऑफ 12 का कितना हो जाएगा 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हमका हमारा सबसे अच्छा तरीका ये है, इस तरीके से बनाइएगा आराम से बन जाएगा, ये थोड़ा टफ है और आगे यूजफुल हो जाता है ये। इसके बाद अगला है कि रंगीन हिस्से, इन्हें पूरा करो, इसको पूरा करना है। इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, 2 बराबर हिस्सों में से 1 भाग नीला किया गया है, यहां 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया, 2 बराबर भागों में से 1 हिस्सा नीला किया गया, दूसरा आपको रेड कहें या जो भी आपको कलर दिख रहा है। इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया, कितने बराबर भागों में बांटा गया, ये 4 बराबर भागों में बांटा गया है, हिस्सों में बांटा गया है, 4 बराबर हिस्सों में से 2 भागों को नीला किया गया, 2 भागों को नीला किया गया, इसी तरह इसका भी है, इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं, तो ये कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा गया, जिसका आधा कितना होता है 3, 3 को नीला किया गया। इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, 8 का आधा कितना होता है 4 को नीला किया गया। अब देखिए ये सिखाना क्या चाहता है, क्यों हमने इसको रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए हम तो हम कह सकते हैं कि 1/2 ये हो गया 2/4, दूसरा का कितना था 2/4, 4 था, और तीसरा का कितना है 3/6, और 3/6 के बाद है आपका 8, किसका है 4, 4/8, ये ठीक से समझिएगा, 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है, लेकिन जब इसको काटेंगे तो आएगा आपका कितना, 4 1 4, 4 2 8, 1/2 ही आएगा, इसी का रूप है ये अलग अलग, ये 2 1 2 है, 2 2 4, ये कंसेप्ट यही क्लियर करना चाहता है कि जब इसको आगे तो गुणा करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हम काटेंगे तो ये आधा ही आएगा। क्यों आधा आएगा, क्योंकि आधे को ही ये बांटा गया, ये क्या किया गया है, आधे को ही बांटा गया है, 6 रूप में बांटिए या 8 रूप में बांटिए, अगर उतना कलर करते हैं यानी आधा ही कलर करेंगे तो उसका मान कितना होगा, आधा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची, उसने अबू बकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए, सिरजा को 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू मिले, नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली, अबू बकर के हिस्से पर नीले
रंग से गोला बनाओ, सिरजा को मिले रंग को, ये गोला बनाने वाला है, लेकिन आपको आंसर निकालना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं 1 to 5 का, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जरूर बना लीजिएगा कॉपी में, मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, नीचे सॉल्यूशन भी है। ये सबसे पहले इसको काउंट करेंगे, काउंट करके लिख लीजिएगा ये कितना है टोटल, वो टोटल आपको देगा, वो टोटल आपको बताएगा। उसका क्या निकालेंगे, 1/5 हिस्सा निकालेंगे, टमाटर का अलग निकालेंगे, आलू का अलग निकालेंगे। फिर इधर देखा जाए तो इधर भी टमाटर का अलग निकालेंगे, आलू का अलग निकालेंगे, यानी टमाटर एक साथ कर दीजिएगा, आलू एक साथ कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ देना है। और जो घटाने के बाद बचेगा, नैन्सी की बची हुई सब्जियां हैं, देखिए आगे यहां बनाया गया है, नंबर ऑफ टमाटर कितना है 20, तो 20 का क्या कह रहा है, 1/5 निकालने के कह रहा है, 20 मान लीजिए टमाटर है, 20 टमाटर का 1/5 कितना हो गया, 5 × 20 कितना हो गया, 5 × 20 यानी ये कितना आ गया 4। तो अबू बकर को कितना मिला 4। दूसरा है, इनको भी टमाटर दिया गया था, देखिए यहां पे दिया गया है टमाटर दूसरे को 2/5 सृजा को, तो सृजा को टमाटर दिया गया है 2/5, तो 20 का निकालेंगे, तो 20 का कितना होगा, 20 का होगा तो 5 × 20 यहां मैं बना देता हूं, ये टोटल टमाटर है आपका 20, 20 का ये बोल रहा है कितना, यहां मैं देख के बताते हूं 2/5, ठीक है 20 का 2/5 आराम से समझिएगा, कुछ नहीं करना है, स्टेप आपको वही अपनाना है। ये हो गया 5 × 20 यानी 4 × 8, समझ में आ गया कैसे ये बना है, ये भी वैसे ही बना है। अब इसका निकल जाने के बाद नैन्सी शेयर ऑफ टमाटर, 20 में से दोनों को घटा देंगे कितना आएगा 8, 20 में से अगर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 8 × 4 कितना होता है 12, 20 में से 12 गया कितना बचा 8, 8 कितना बचा, ये बचा मेरा टमाटर। नंबर ऑफ पोटैटोज कितना है 18, 18 है पोटैटोज में, देखिए किसका किसका कितना कितना है, पहले हिस्से में 1/3 है, दूसरे हिस्से में कितना है 3/6 है, दोनों का निकाल लेंगे, तो 18 का 1/3 को 6 × 3 = 18 आ जाएगा, और 3/6 निकालेंगे 18 का कितना होगा 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9, ये 9 आ जाएगा। आप बना लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो मैं इसको फिर से बता रहा हूं, टोटल है 18, अब ये कह रहा है 3/6, क्या कह रहा है 3/6 को 6 × 3 = 18, ये 3 आया, तो 3 गुणा करेंगे कितना आएगा 9 आ गया, इतना बन गया। अब नैन्सी शेयर्स ऑफ पोटैटोस, तो 18 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 9 × 6 = 15 हुआ, 15 × 3 = 18 यानी 3 आ जाएगा। ये देखिए इन दोनों को जोड़ा 6, 9, 15 हुआ, 18 में से 15 गया 3, बहुत ही इजी स्टेप में हमने समझा भी रखा है, उसको आराम से समझ जाइएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और एक और पॉइंट वहां लिखा गया था, आधे का आधा, ये भी समझने वाला बहुत अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट मिला हमको, आधे का आधा यानी मान लीजिए 1/2 है, इसका आधा क्या हो सकता है बताइए आप, क्या होगा इसका आधा, को इसका आधा हो सकता है 1/4, आधे का आधा कितना होगा 1/4, 3/4 यानी 3/4, 3/4 का 1/3 यानी 1/4 बराबर है, सही बात, 1/4 बराबर है, 1/4 इसका आ गया, 3/4 का 1/3 यानी 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1/4 होगा। अब यहां कहिएगा सर आपने कैसे कहा आधे का आधा 1/4 होता है, ये भी पूछने वाला प्रश्न है। तो देखिए आधे का आधा करेंगे यानी 1/2 का 1/2 मतलब आधा, अब इसका आधा करेंगे, का मतलब गुणा होता है, और ये हो गया 1/2, कितना आएगा 2 × 2 = 4, ये 4 आ गया, ऊपर 1 है 1, ठीक है 1 से 1 गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, समझ में आ गया, तो ये इसके बराबर है, ये पॉइंट लिखा होता है इसको मैंने लिख दिया। इसके बाद अगला है पैटर्न, इस वर्ग को देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आते हैं और पूछे जा सकते हैं, और ये मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बनेगा कैसे, अगर देखिए इस वर्ग को देखो, कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ, कितना हिस्सा, तो इसका देखिएगा, तो देखिए अगर नीले रंग वाला पूछ रहा है, नीला मतलब ये, तो इसको उतने भागों में बांट देंगे, उतने भागों में क्या करेंगे बांट देंगे, बांटेंगे कैसे, देखिए ये आधा है, ये आधा है, ठीक है ये आधा है, ये आधा है, और इसका मान हमें निकालना है, इसका क्या करना है मान निकालना, तो समझिए कि ये एक हिस्सा हो गया, फिर ये दूसरा मेरा इतना हिस्सा हो गया, नीला वाला निकाल रहा हूं, दूसरा इतना हिस्सा हो जाएगा, ऊपर भी देखिएगा कितना होगा, ये मेरा एक हिस्सा हो गया, फिर ऊपर में ये दूसरा हिस्सा हो गया, मैं लिख देता हूं 1 हो गया, ये 2 हो गया हिस्सा, इसका तीसरा हो गया, ये चौथा हिस्सा हो गया, ठीक है पिक्चर देकर पूछ सकता है, 1, 2, 3, 4 चार हिस्से हुए। अब इसमें भी देखा जाए तो कितना होगा 4 हिस्सा, यानी टोटल हिस्सा कितने हुए मेरे 8 हिस्से, और 8 हिस्से में से कितना हिस्सा रंगा हुआ है 1 हिस्सा, तो 1/8 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये देखिए 1/8।
अब इसके बाद पूछ रहा है कि अगला है कितना हिस्सा हरा है। अब हरा पूछ रहा है हरा का बाटिए, तो ये एक हिस्सा हो गया, ये क्या हो जाएगा दूसरा हिस्सा, फिर इसमें देखिए एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, यानी एक दो तीन चार हिस्सा, एक में कितना आया चार हिस्सा, फिर इसमें कितना आ जाएगा चार हिस्सा, ये टोटल में आधे में कितना आ जाएगा आठ हिस्सा, तो इसमें भी आठ हिस्सा आएगा, यानी टोटल कितना हुआ सोलह हिस्सा, सोलह हिस्सा का क्या हो जाएगा सोलह हिस्सा का एक है, यानी एक बटे सोलह। समझ में आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, अगली बार मैं इसे और तोड़ने का प्रयास करूंगा। साथ में लिखिएगा कि रीजन कौन सा रीजन नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इसके बाद आगे देखते हैं रुपये और पैसे, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप जानते भी होंगे, वैसे मैं बता दूं कितने पचास पचास एक रुपये बनाएंगे, दो बना देंगे, दो पचास का कॉइन होगा तो बन जाएगा। क्या पचास पैसे एक रुपये का आधा है, हाँ सही बात है, पचास पैसे के दो बनेंगे को आधा ही होगा ना। कितने पच्चीस एक रुपये बनाएंगे, कितने पच्चीस पैसे वाले एक रुपये बनाएंगे, तो ये बनाएंगे चार, देखिए यहां बना दिया गया है। पच्चीस पैसे का एक रुपये का कौन सा हिस्सा है, ये देखिए हिस्सा पूछ रहा है, कौन सा हिस्सा है पच्चीस, देखिए ये कैसे बनेगा, मान लीजिए ये सौ रुपये सौ पैसे का होता है एक रुपये का, सौ का एक बट्टे पच्चीस, एक बटे पच्चीस, तो ये निकालेंगे, यानी पच्चीस पैसे का निकालेंगे, पच्चीस चौका सौ, पच्चीस चौका सौ क्या हो जाएगा पच्चीस चौका सौ, यानी चौथा है, यानी इसका पूछे जब भी पच्चीस एक रुपये का कौन सा हिस्सा है, एक बट्टे चौथा हिस्सा है, एक बट्टे क्या है चौथा हिस्सा है, क्योंकि इसको हमने बटा में रखा था, इसीलिए मैंने काटने के लिए से रखा था, नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, पच्चीस टोटल ये कितना है सौ, ऐसे बनाते ऐसे हैं, लेकिन मैंने इसे समझाने के लिए ऐसे किया था। देखिए 25 बट्टे 100 टोटल मैंने नीचे रखा, और जिसका मान निकालना था 25 उसको मैंने ऊपर रखा, तो 25 चौका 100 ये मेरा कितना आ जाएगा एक बट्टे चार, ऐसे ही बनाते हैं। 20 पैसे एक रुपया कितना है को हम जानते हैं टोटल कितना है, टोटल पूछ रहा है एक रुपये यानी सौ पैसे, और ये कितना है 20 को 20 से कीजिए, 20 में 40 20 60 20 84 20 25 100 यानी 5 यानी एक बटे 5, तो ये कितना हिस्सा है एक बटे 5 वाला हिस्सा है। कितने 10 पैसे एक रुपये बनाएंगे, इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 10 पैसे एक रुपये का कौन सा हिस्सा है, बना लीजिएगा, नीचे में क्या होगा आपका 100, ऊपर में क्या होगा 10, और भाग दे दीजिएगा तो एक बटे 10 आ जाएगा। चलिए इसके बाद स्कूल पत्रिका के बारे में ये क्वेश्चन है, एक स्कूल ने साल के हर तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सोची, हर तिमाही में, तो एक दो तीन, तिमाही मतलब तीन, एक दो तीन, तीन एक दो तीन, तीन एक दो तीन, ये तिमाही में एक दो तीन चार। अब देखिए क्या पूछ रहा है, एक साल में उसके पास कितनी पत्रिकाएं होंगी, चार होंगी, अगर उन्हें साल की हर एक तिमाही का अंत में पत्रिका छापनी है तो कौन से महीने में छापेंगे, अंत में बोल रहा है, यानी अंत में क्या होगा, ये जनवरी फरवरी मार्च, ये मार्च हो जाएगा, अप्रैल मई जून, ये जून हो जाएगा, इसके बाद जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, ये सेप्टेम्बर हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये दिसंबर हो जाएगा, बन गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है, रावण का भाई है, सुने ही होंगे, वो आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध था, वो आधा साल सोता था छह महीने, ज्यादातर लोग एक दिन में आठ घंटे सोते हैं, तो वो एक दिन का कौन सा हिस्सा है, ज्यादातर लोग कितने एक दिन में, यानी एक दिन कितने घंटे का होता है, ये देखिए घंटे में दिया है, इसको घंटे में दिन को तब्दील करेंगे, को घंटा कितना हो गया मेरा, तो घंटा हो गया आपका टोटल हो गया कितना 24, टोटल कितना हो गया 24। अब बांटना किसको है, ये देखिएगा कैसे बना रहा हूं मैं, जो टोटल है वो मैं नीचे रख रहा हूं, जो निकालना है मैं ऊपर रख रहा हूं, आठ तिरका 24 यानी एक बटे तीन, ये आंसर हो गया, कौन सा हिस्सा है एक बटे तीन। चलिए आगे है, और आगे अगला क्वेश्चन बनाना है, देखिए ये देख लीजिएगा, टमाटर ऐसे है, प्याज ऐसे है, गाजर ऐसे है, लौकी ऐसे है, और टमाटर ऐसे रुपया है। चलिए कीर्ति की खरीदारी सूची ऐसे है, दो किलो टमाटर कितने के हैं, दो किलो टमाटर, दो बार दोनी 24, दो किलो निकालना होगा तो बार दोनी 24 हो जाएगा, एक बटे दो किलो टमाटर एक बटे दो को 12 रुपए किलो है, एक बटे दो का कितना दाम हो जाएगा, एक बटे दो का निकाल लीजिए, यानी आधा किलो का 6 दोनी 12, ऐसे निकालना हो तीन बटे दो को वैसे ही निकालिए, तीन बटे दो से गुणा कर दीजिएगा। किरण को दो पूर्णांक एक बटे दो किलो टमाटर चाहिए, वे कितने में मिलेंगे, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो दो किलो का पहले निकाल लीजिए, दो किलो का निकालेंगे अगर टमाटर का बार दूनी 24 रुपया हो जाएगा, फिर आधा का उसमें जोड़ दीजिए, तो आधा का कितना होगा बार दूनी 24 और 6
25, 26, 27, 28, 29, 30 रुपए हो गए। अगर ऐसे नहीं निकलना है तो इसको तोड़ दीजिए, दो दिन चार, 5/2 हो गया, ये कितना हो गया 5/2, तो 12 का 5/2 निकाल दीजिए, 2 छक 12, ये 12 है, 2 छक 12 हो गया, 6 और 5 में गुणा होगा कितना है 6/5 30, ऐसे भी आ जाएगा। और पहले तरीका मैंने क्या बताया, ये 2 को हम बाहर अलग ले लेते हैं और इसको डायरेक्ट टमाटर के साथ रख देते हैं, तो 12 दूनी कितना हुआ 24। इसके पिछले वीडियोज में हमने बताया था कि ये जुट जाता है, ये जो होता है जुट जाता है। फिर आधा किलो को हमने पहले से निकाल रखा था, ये 6 था, 24 और 6 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ प्लस होता है, तो 24 6 कितना होता है 30। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब इस ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 3.1/2 किलो आलू का कीमत क्या होगा, आलू का दाम देख लीजिए 10 रुपये किलो है, निकाल दीजिए 3.1 वाला। इसी तरह गाजर का भी आप निकाल लीजिएगा, गाजर का देख लीजिए, गाजर का ऐसे है, ये इसलिए मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो निकालने का। और इसके बाद आपका इसका भी निकाल लीजिए, उसने इतना लौकी खरीदा जिसकी कीमत है, मतलब उसका कितना दाम होगा निकाल लीजिए, लौकी का भी देख लीजिए कितना, लौकी का 8 रुपये है, 8 का निकाल दीजिए, बन जाएगा, कुछ नहीं करना, एकदम निश्चित बन जाएगा, कोई बड़ा सा प्रश्न नहीं। कितने के हाथ में खरीदारी की सूची देखो, यह सब खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो सबका अलग अलग निकाल दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा, सबका अलग अलग निकाल दीजिएगा। टमाटर 2.1/4 किलोग्राम है, गाजर है 3.3/4 है, 3 का अलग भी निकाल सकते हैं या गुणा करके आपस में निकाल सकते हैं। लौकी का 1.1/2 है, तो पूर्णांक वाला भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ निकाला भी गया है। जैसे मैं अगर किसकी बात करूं, मैं ये लास्ट वाला मैं बता देता हूं, ये है 1.1/2 को 8 रुपये किलो है, तो 1×8 क्या किया गया, 1×8, तो ये 8 रुपये मेरा हो गया। फिर आधा किलो का निकाला है को कितना होगा 4×8 = 12 बन जाएगा, टोटल को जोड़ देना है 102 रुपया आएगा, आपका भी आता है, को आंसर सही हो जाएगा, बना के जरूर कोशिश कीजिएगा। नहीं हो रहा है, परेशानी हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कहिएगा, अगली बार हम निश्चित ही सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद है कि रहीम की यात्रा, रहीम को अपनी स्कूल पहुंचने के लिए 1.1/4 किलोमीटर सफर करना पड़ता है, उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो देखिए ये बनेगा कैसे, 2 तरीके हैं, एक तो बट्टा के जोड़ से निकाल लीजिए कि इतना आपस में, देखिए कैसे मैं बताता हूं, 4 ये होगा 4 एकम 4 1 5, 5/4 1 हो गया 5/4 1, फिर 5/4 इसमें क्या होगा जुट जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 5 5 ऊपर में जुट जाएगा 10, अगर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कितना 5 + 5 5 + 5/4 यानी 5 5 10 होता है, 10/4, इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, तो कितना आएगा ऐसे 10/4 दिया आंसर को 10/4 कर दीजिएगा। अगर काटना है चाहे पूर्णांक में ही लिखना है तो पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, तो 4 एकम 4 4 2 8 4 2 8 8 2 10 8 2 10 बन गया, ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये आंसर दिया है को ये लिख दीजिएगा, नहीं तो अगर इसको काट के भी लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये 10 है तो ये हो जाएगा आपको 5 2 10 और ये हो जाएगा आपका 5 2 10 हो गया, ये हो जाएगा 2 2 4 यानी 5/2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 को 2 2 4 1 5 ये इतना आ जाएगा। तो देख लीजिएगा क्या लिखना है उस हिसाब से आप लिख दीजिएगा। और इसके साथ ही अगर इसका एक और तरीका मैं बता देता हूं आपको, अगर गड़बड़ लग रहा है तो ये 1.1/4 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये तोड़ दीजिएगा तो कितना आ रहा था 5/4 आ रहा था, ठीक है, इसमें 2 से गुणा भी कर सकते हैं, तो ये देखिए डायरेक्ट आ गया 5 2 10/4 दुगुना है, 5 2 10/4 आ गया, नहीं तो इसको काट भी दीजिएगा तो कितना होगा 2 2 4 5/2 ये इतना आ जाएगा। वो जिस तरीके से बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, बहुत तो आपके लिए लेंदी हो जाएगा लेकिन एक ही तरीका आप अपनाइए, समझिए उसको। और आगे, कौन से सिक्के लता ने 7.50 रुपये में एक पेंसिल और एक कलम खरीदा, उसने 10 रुपये दिए, दुकानदार ने उसे 58 और 54 के सिक्के वापस दिए, बताओ उसे कौन से सिक्के कितने मिले। अब 58 का बताइए कितना मिला, उसे 54 का कितना मिला। अगर देखा जाए तो 10 रुपये में से हमको घटाना कितना, घटाओं में सिखा देता हूं दशमलव का, अगर नहीं जानते होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 रुपये में से घटाना कितना 7 रुपये 50 पैसे, ये ऐसे हो गए 7.50। अब यहां पूछेंगे कि सर आप 2 जीरो कैसे लगा, देखिए दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो मैं 2 अंक
जीरो लगाऊंगा। दशमलव के बाद कुछ भी जीरो लगाते हैं कितना भी, तो वो उसका मान कुछ नहीं होता है। और इसको घटाने के लिए बहुत ही आसान है कि जीरो जीरो हो गया, और यहाँ यहाँ एक लेंगे कितना हुआ, दस में से पाँच गया पाँच, ये दशमलव, ये नौ बचे, नौ में से सात गया कितना हो गया, सात दो नौ, यानी दो रुपये पचास पैसे। अब इसका अठन्नी चौनी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए दीजिए कितना अठन्नी होगा, अठन्नी में बता देता हूँ, चौनी आप लिखें तो अठन्नी कितना हो जाएगा, एक अठन्नी ये हो गया, और दो रुपये में कितने अठन्नी होंगे, चार, चार एक पाँच अठन्नी हो गया, और चौनी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और ये कृपया ध्यान दीजिए, बेंगलोर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली मैंगलोर एक्सप्रेस आधे घंटे पीछे चल रही है, कितना पीछे चल रही है, ये आधे घंटे पीछे चल रही है, लेट से चल रही है, और इसमें ओह आज रेलगाड़ी देर से आ रही है, सही समय पौने सात बजे का है, पौने सात बजे का है। देखिए अगर घड़ी का नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट आप घड़ी बना दीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिए, घड़ी बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए बारह, यहाँ क्या कीजिएगा आप तीन, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, तीन के बाद यहाँ हो जाएगा नौ, और यहाँ हो जाएगा आपका छः, ये छः कर लीजिए, ऐसे करके घड़ी बना दीजिए। और इसमें कह रहा है कि वो कहाँ थी, रेलगाड़ी देर से आ रही है, सही समय पौने सात बजे है, पौने सात बजे यानी सात बजने में पंद्रह मिनट कम, तो पौने सात बजे मतलब यहाँ थी, और इसको आधा घंटा लेट हो गया, यानी वो आ गई कहाँ पे, यहाँ पे सात पंद्रह हो जाएगा, यानी आधा घंटा जोड़ लीजिएगा, ये सात पंद्रह हो जाएगा, ये हो गया आपका सात पंद्रह, सात पंद्रह में आएगी। रेल के आने के अनुमानित समय क्या होगा, सात पंद्रह बन गया कैसे, क्योंकि आधा घंटा बढ़ जाएगी, अब ये है पौने सात यानी पंद्रह मिनट कम होता है, इधर आधा घंटा पंद्रह मिनट ये पंद्रह मिनट ये, तो सात पंद्रह हो गया। नाजिया स्टेशन इस स्टेशन से दो दो घंटे और आधा घंटा, ये दो घंटा अलग हो गया, आधा घंटा मैंने अलग लिख दिया, यानी ढाई घंटे बाद दूसरे स्टेशन पे उतरेगी, वह कितने बजे उतरेगी, तो ढाई घंटे अगले स्टेशन पे उतरेगी, तो यहाँ पे देखा जाएगा सात पंद्रह में तो यहाँ से चल रही है, दो ढाई घंटे और होगा, सात दो कितना हो जाएगा नौ घंटे, और इसमें आधा घंटा और जोड़िएगा पैंतालीस मिनट, इसमें कितना हो गया पैंतालीस मिनट। कोई ये इससे भी सीटेट में प्रश्न पूछा गया है लेकिन थोड़ा और ज्यादा घुमा के, तो सात दो ये कितना हो गया नौ बज के पैंतालीस मिनट, क्यों, क्योंकि इसमें आधा घंटा जोड़ते हैं, आधा घंटा मान लीजिए एक बटे दो दिया है, इसको आधा घंटा में तब्दील कैसे करेंगे, तो इसमें साठ से गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं हम साठ से गुणा कर देते हैं, ये कितना हो गया तीस दुनी साठ, ठीक है, को 30 मिनट को 30 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा, पांच एकम पांच तीन एक चार 45, यानी अगर इसमें जोड़ देते हैं को सात दो नौ, और इसको जोड़ेंगे तो नौ बज के 45 मिनट। बहुत ही आसान है, आसान तरीके से बनाइएगा, निश्चित ही बन जाएगा। साजी इस रेल से एर्नाकुलम पहुंचने में पांच घंटे लगेंगे, वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगी, तो पांच घंटा इसमें जोड़ देना है, तो ये है सात पंद्रह, अब इसमें हम पांच जोड़ देते हैं, मिनट है ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं, तो सात पांच बारह बज के पंद्रह मिनट, कितना होगा बारह बज के पंद्रह मिनट, मिनट नहीं है को डायरेक्ट बना दीजिए, निश्चित ही बन जाएगा। इसके बाद आंसर देख सकते हैं यहाँ लास्ट वाला आपका बारह पंद्रह, ठीक है, और ये था आपका बी का आंसर था आपका नौ पैंतालीस, लगभग दस बजे मतलब नौ पैंतालीस में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सात पंद्रह, ठीक है, आंसर बन गया। अब अगले लेशन पे चलते हैं, लेशन नंबर ये फाइव है, क्या यह एक जैसा दिखता है, अब देख लीजिए ये एक जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, यह पार्ट सम्मिति से संबंधित है, सम्मिति से संबंधित प्रश्न आता है आपका सिक्स टू एट में भी, अगर आप सिक्स टू एट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बता दूं, देखिए सम्मिति में क्या होता है, ये त्रिभुज वगैरह बनाने के लिए दे देता है, ठीक है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ठीक है, चाहे कुछ भी पूछ देगा और पूछता है कि ये दोनों समान है कि नहीं है, तो देखिए अगर इसको मिलाना होगा ना तो साथ में ठीक इसको उठा के इस पर बैठाइएगा, ठीक इसको क्या कीजिएगा, देखिए इसको जब भी बनाना होगा तो ठीक इसके ऊपर चिपका के देखिएगा कि मिल रहा है कि नहीं, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज ऐसे है, दोनों त्रिभुज एक ही समान है, ठीक है, एक ही समान है, लेकिन इसका छह है और इसका छह है, ठीक है, इसका क्या है पांच है और इसका क्या है पांच है, इसका आपका दो है और ये भी आपका दो है, तो ये ए बी और ये सी है, ये भी मान लीजिए ए बी सी है, वो पूछेगा कि दोनों में सम्मिति क्या, मतलब दोनों सर्वगा सम शब्द यूज करता है, तो दोनों किस तरह समान है, तो देखिए ये ए बी सी बराबर ए बी सी नहीं होगा, ये क्या होगा ए सी बी होगा, क्यों होगा, क्योंकि इधर वाला मिल रहा है इधर वाला, यानी ये उल्टेगा इधर आएगा तब होगा, तो इधर उल्टेगा तो ये क्या हो जाएगा ए सी बी मिल रहा है, क्या मिल रहा है इधर ए सी बी मिल रहा है, और इधर किससे मिल रहा है ए बी सी से,
तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक उसको उठा के उस पर रख देना होता है, ये बराबर हो जाते हैं। तो ये आगे के क्लास में मे बी 6 to 8 में पूछे, लेकिन आप अपने पास भी ये सॉल्यूशन जरूर रखिएगा, ठीक उसको उठा के रखना है, उठाएंगे तो ये इधर पलट जाएगा, पलट जाएगा तो ए पे रह जाएगा और सी क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा और बी कहाँ होगा, यहाँ आ जाएगा, तभी तो बराबर होगा। पाँच पाँच इधर लेके आना है, पाँच को कहाँ लेके आना है, इधर लेके आना, छः को इधर लेके आना, तो पलटेगा तो यहाँ सी आ जाएगा और ये वाला बी इधर चलाएगा। समझ में आ गया, ऐसे ही बनाइएगा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं, इसका आंसर मैंने लिख दिया है, कौन कौन से हैं लिख लीजिए, HINOSXZ कितने हैं, तो 3, 3, 6, 7 हैं। नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे, तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं क्या है, MOW 1, 2, 3, 4 है, जुम छोड़ के बाकी सब है, 2, 3, 4 एक ही जैसे दिखेंगे घुमाने पे भी। 0 से 9 तक अंकों को आधा घुमाओ, इनमें से कौन सा अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं, तो इसका भी आंसर देख सकते हैं, 0, 1, 8 समान रूप से दिखाई देंगे, 0, 1, 8, 3 0 से 9 के बीच में। 2, 3, 4 अंकों वाली उन संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पे वैसे लगे, इसके बारे में आपको सोचना है, उदाहरण के रूप में ये है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया है सॉल्यूशन, इसको देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, ये 3 का है, ये 4 डिजिट का है, ठीक है, 4 अंकों वाली देख सकते हैं, ये 3 अंकों का है, ये 2 अंकों का है, कौन कौन सा घुमाने पे है, घुमाने मतलब उल्टा देखे, ये इसलिए मैंने आपको सामने दिखा दिया है क्योंकि अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको हो सकता है टाइम टेकिंग लगे, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा, खास करके इसको दिमाग में रख लीजिएगा, कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इसके बाद ये लास्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियां कैसी दिखेंगी। 1/4 घुमाने का मतलब क्या होता है, जैसे 1/4 घुमाने का मतलब, इसका आंसर भी मैं दिखा देता हूँ, ये 1/4 घुमाने का मतलब ये ऐसे क्यों दिख रहा है, ये टिक करने वाले में आ सकता है, और ये ऐसे क्यों दिख रहा है, 1/4 कहने का मतलब क्या, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा घुमाना, 4 हिस्सा में से कितना घुमाना, एक हिस्सा, तो देखिए ये 4 हिस्सा है, तो 4 हिस्सा में से जब एक हिस्सा घुमाएंगे, 4 हिस्सा मतलब क्या, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, चारों हिस्सा हो गया, एक देखिए 1, 2, 3, 4 4 हिस्सा हुआ, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा ऊपर वाला हमको घुमाना है, क्योंकि हमको पता चलता है कि ये टोटल कितना है, 4 हिस्सा, 4 भागों में बांट दिया गया, और एक हिस्सा हमको घुमाना है, तो इसको हम घुमाएंगे तो कितना, एक ही हिस्सा घूमेगा, यानी एक बार घूमेगा। अब ये कह रहा 1/2, 1/2 मतलब क्या, यानी 2 हिस्सा में से एक हिस्सा घुमाना, तो 2 हिस्सा इसको कैसे बांटेंगे, तो एक हिस्सा ऊपर हो गया, एक हिस्सा नीचे हो गया, 2 हिस्सा हुआ, एक हिस्सा ऊपर, एक हिस्सा नीचे, तो ये कितना कह रहा है, 2 हिस्सा में से एक हिस्सा, एक ऊपर एक नीचे है, जाहिर सी बात है कि एक ही हिस्सा घुमाना है हमको, तो सीधे टर्न करके नीचे कर लेंगे। ये समझ में जरूर रखिएगा कि ये कहना क्या चाहता है, अगर ऐसे 2 टर्न लिखता है वो दूसरी बात थी, लेकिन ये बट्टे में पूछेगा तो ये ऐसे ही घुमाते हैं, 1/4 कहेगा तो एक हिस्सा घुमाना है, 4 हिस्सा में बांट लीजिएगा, 1, 2, 3, 4 एक हिस्सा इसमें से घुमाना है तो एक हिस्सा ये हो गया, 2 हिस्सा कर रहा है तो 2 हिस्सा में बांट लीजिए, एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, तो एक हिस्सा 2 हिस्सा में से एक हिस्सा कर रहा है घुमाने का, एक की बार उसको पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ये हो गया, बन गया। चैप्टर नंबर 6, मैं तेरा गुणनखंड गुणस तू मेरा। देखिए आगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं यहीं पे समझा देता हूं गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। देखिए ये कह रहा है गुणनखंड, गुणनखंड मतलब खंड का टुकड़ा, किसी खंड का टुकड़ा मुझे करना है। जैसे मैं अगर मैं कहूं यहां 36 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 36, ये रहा 36, अगर 36 लिखा हुआ है, इसका मैं कहूं कि इसका आप गुणनखंड बताइए, इसका गुणनखंड बताइए, यानी इसको तोड़ के मुझे बताइए, गुणनखंड मींस क्या है, इसको तोड़ के बताइए, कैसे बता सकते हैं, तो आप कहिएगा सर 36 का क्या होता है ना, 6 × 6 होता है, 6 × 6, जी हाँ 36 का 6 × 6 हो सकता है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, जी हाँ कुछ और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो इसको हम और तोड़ेंगे, हम लिख सकते हैं, देखिए ये 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 2 उसके बाद गुणा कर सकते हैं क्या ये 6 से, यानी 3 × 6 = 36, जी हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी इसको कैसे भी करके तोड़ देना, कैसे भी करके क्या करना, तोड़ देना, इसको और तोड़ना चाहेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 × 2 फिर क्या आएगा, इसको भी तोड़ सकते हैं, 3 × 2 ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसका भी जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरा 36 आएगा। इसको और तरीके से लिख सकते हैं क्या, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 4 होता है, 4 × 9, 4 × 9, जी हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 × 4 = 36 होता है। ये होता है आपका गुणनखंड, यानी उसको तोड़ देना उसका गुणनखंड है, जो भी संख्या है उसको ऐसे तोड़ना कि फिर उसको गुणा करने के बाद मुझे 36 मिल जाए, ये होता है आपका गुणनखंड। गुणज, गुणज मींस जिसका भी गुणज कहा जाए वो उसका पहाड़ा होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि 4 का गुणज लिख के दिखाइए, 4 का गुणज लिख के दिखाइए, तो 4 का पहाड़ा लिख दीजिए आप, 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 16, 4 × 5 = 20, जो भी आपको लिखना आता है सब लिख दीजिए। 5 का कहूं तो 5 का पहाड़ा लिख दीजिए। गुणज मींस उसमें क्या गुणा करते जाते हैं, समझ में आ गया। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से मैं समझा रहा हूं। गुणनखंड मींस उसका टुकड़ा होगा, ऐसे टुकड़ा करना ताकि गुणा करने के बाद फिर से वो मेरा अंक मिल जाए। गुणज मींस उसका पहाड़ा लिखना है मुझे, 5 लिखूं तो 5 का पहाड़ा लिख दीजिए, 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 20, 5 × 25 = 25, 5 × 35 = 37, 5 × 37 = 38, 5 × 7 = 38, जो लिखना है जहां तक है उतना लिखा जाता है। तो इसमें प्रश्न जो आते हैं तो वो पूछा क्या जाता है, तो इसमें सार वो पूछा जाता है। सार मींस जो भी दो संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं दे सकती है, मैक्सिमम 3 संख्या अभी तक दिया है, 3-4 भी दिया जा सकता है, जितना देना है उतना दिया जा सकता है। वो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से, जैसे मैं 36, 4 कोई एक और संख्या, वो उसका सबसे छोटी सार्वगुणज लिखिए, सबसे छोटी सार्वगुणज। अब ये छोटी संख्या क्यों लगाता है सबसे छोटी सार्वगुणज, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। सबसे छोटी सार्वगुणज कहने का मतलब क्या, आप जानते हैं कि गुणज ऐसा है जिसका पहाड़ा हम पढ़ते हैं वो अनंत है, यानी 4 का पहाड़ा कभी खत्म होगा नहीं होगा, इसीलिए वो कहता है सबसे छोटी सार्वगुणज। अब गुणनखंड पे आते हैं, ये भी कहता है सार्वगुणनखंड लिखिए, हमेशा पूछा जाता है कि सार्वगुणनखंड लिखिए, कैसे लिखेंगे। तो सार्वगुणनखंड जानते हैं आप कि क्या होता है, उसको टुकड़ा करते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा कहता है, यानी सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होगा, क्योंकि मुझे संख्या तो मालूम है कि 36 ही है और उसके अंदर ही होगा, यानी जो मैंने संख्या दिया उसके अंदर होगा। तो इसमें पूछता है कि सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। अगर कहा जाए 36 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, ऐसा नहीं पूछा जा सकता। सार्वगुणनखंड पूछा जाएगा यानी एक से अधिक संख्याएं होंगी, यानी तो बनाने के लिए दे देगा एक ही अंक, तो समझिए यही होगा, क्या होगा, यही अंक होगा, 1 × 36, सबसे बड़ा 36 ही रहेगा। लेकिन ऐसा दिया नहीं जाएगा, लेकिन दिया जाएगा तो समझिएगा वही संख्या। एक क्वेश्चन दिया था कि दोनों का गुणनखंड निकाले, यानी एक 36 था कोई और संख्या थे, दोनों का 36 × 48 था शायद, 36 और 48 दोनों का गुणनखंड निकालकर दोनों का गुणनफल कीजिए, फिर कोई और संख्या थी उससे मैच कीजिए बराबर है कि नहीं, ये सीटेट का क्वेश्चन है। तो क्या डायरेक्ट आप कर सकते हैं 36 × 48, उसके बाद जो दूसरा वाला है उसको मैच करके आंसर कर सकते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं, याद हो गया। अब सार्व होता है, एक से अधिक होगा तभी सार्व कर सकते हैं, तो एक से अधिक के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे में देखा जाए ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड में हम देख रहे हैं सबसे पहले कि सार्व गुणनखंड क्या होगा। तो सार्व गुणनखंड के लिए मान लीजिए एक हमको अंक मिल गया आपका 36, दूसरा अंक मिल गया मान लीजिए, चाहे छोड़ दीजिए इसको, मैं दूसरा अंक लेता हूं, जैसे में मुझे मिल गया 15, दूसरा अंक ले लीजिए आप 24, तीसरा अंक ले लीजिए आप 45, 3 अंक हो गया। अब इसका मुझे निकालना है सार्व गुणनखंड, याद रखिएगा सार्व गुणनखंड, यानी ऐसा कुछ करना है मुझे जो संख्या से तीनों में भाग लग जाए, सबसे बड़ी पूछेगा यानी वो कौन सी सबसे बड़ी है, तो ऐसा कुछ करना है मुझे। तो हम देखेंगे सबसे पहले 5 × 1 = 6, यानी ये किससे लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 4 × 2 = 6, यानी ये किससे भाग लग जाएगा, 3 से, 3 × 2 = 6 होता है, सबको जोड़ के 3 से देखते हैं हम लोग, 5 × 4 = 9, 9 हो गया, ये 3 से भाग लग जाए, यानी ये 3 से तीनों में भाग लग जाए, यानी ऐसी कोई संख्या चाहिए जो तीनों से भाग लग जाए, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, आगे देखेंगे तो हो जाएगा आपका 45 है, 9 × 5 = 45। अगर इसके बाद भी भाग लगता है, यहां 8 आ गया, 8 के जगह कुछ और संख्या होता, 8 के जगह कुछ और संख्या होता तो हम आगे भी भाग लगाते, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे,
तो मेरा तीन आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, सार्व आपका गुणनखंड क्या हुआ, तीन आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। बस उसमें देखना है तीनों के एक साथ जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जिसमें तीनों से भाग लगना चाहिए, याद रखिए तीन संख्या के तीनों से दो संख्या के दोनों में भाग लगना चाहिए। ये आगे भाग नहीं लग सकता है, आगे भाग लगता तो आगे भी हम लगाते, लेकिन मान लीजिए सपोज कीजिए यहां 15 के अलावा कुछ और होता जिसके वजह से यहां पे 6 आ जाता, जिसके वजह से यहां पे 6 आ जाता तो भी हम भाग नहीं लगाते क्योंकि 8 है बीच में। ये क्या है, 8 है, इसलिए भाग नहीं लगाते, को तीन ही मेरा आंसर होता। यानी ये चेंजिंग जब तीनों में हो यानी तीनों में उससे भाग लगे वही मेरा आंसर होगा। समझ में आ गया सार्वगुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, एलसीएम के जैसे निकालना है। ये नहीं कि एक को इससे भाग दीजिए फिर ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको ये देखना है कि तीनों में भाग लग जाए, जब तक भाग लगेगा तब तक करेंगे। जैसे यहां मान लीजिए सपोज कीजिए यहां 6 आ गया, ये सपोज कीजिए कुछ भी अंक है और नीचे में मुझे मिलता हुआ आया क्या क्या आया, यहां 6 आया, यहां मुझे आया 9 आया, यहां मुझे 18 आ गया, कितना आया 18। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसके बाद ये मुझे मिला, पहले 3 मिल गया था फिर इसको काटने के बाद मुझे ये मिला 6 9 18, तो इसको क्या करेंगे, फिर मुझे लग रहा है कि 3 से चल जाएगा, तो 3 1 3 2 6 3 3 9 3 6 18, तो मेरा सार्वगुण खंड क्या होगा, 3 3 9 आंसर होगा, कितना होगा 3 3 9 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब इसका गुणज निकालना है, जैसे 15 24 45 का गुणज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, को इसको 3 से पहले भाग दे दिया तो 3 हुआ, आगे देख रहे हैं कि यहां 5 है, यहां 8 है, यहां 9 है, ये नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, सबको गुणा कीजिए 3 को 5 को 8 को 9 को। सपोज कीजिए कि कोई ऐसी संख्या ऊपर में लिखा है, यहां पे 6 आ गया, जैसे 15 की जगह ये मैंने 18 रख लिया, 18 जब मैंने रखा तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे आएगा 6 6 3 18 होता है, 6 8 9। हमको निकालना है गुणज, गुणज निकालना है कि कोई दो संख्या भी कट जाए तो हम कटा देते हैं, कोई यहां चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये होता है आपका फिर किसे जाएगा, 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, 3 3 9 सॉरी 3 हो जाएगा, यानी 3 2, ये कितना हुआ आपका 8 1 8 आ गया था, 3 से नहीं लगेगा भाग तो ये 8 ही उतार देंगे, फिर ये 9 था कि ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहां मिला मुझे 2, यहां मिला 3। अब इसको गुणा करके हम लिख देंगे, कैसे गुणा करेंगे, 3 3 9 9 2 18, 18 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे फिर जो संख्या आएगा उससे 8 से गुणा कर देंगे वो मेरा आंसर होगा। अब वो क्या निकला मुझे, ये सार्व गुणज निकला, क्या निकला मेरा सार्व गुणज निकला, ठीक है। एलसीएम निकाल दीजिएगा सार्व गुणज होगा, मसा निकाल दीजिएगा वो आपका गुणनखंड होगा। समझ में आ गया, सार्व गुणनखंड, ये सार्व गुणज। इस तरह के प्रश्न निश्चित ही आते हैं, सीटेट में प्रत्येक साल पूछा गया है और ये प्रश्न आएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछिएगा। चलिए इसमें जो मुख्य है वो हम देख लेते हैं इस चैप्टर में। 15 3 और 5 दोनों के साझा गुणज हैं, 15 जो है 3 और 5 के दोनों के साझा गुणज हैं, यानी ये कहना क्या चाहता है, 15 जो संख्या है 3 और 5 दोनों के साझा गुणज हैं, यानी 3 × 5 3 × 5 तो कितना आएगा 3 5 15, 15 आ गया, तो दोनों के साझा गुणज क्या है 15 है। साझा गुणज भी पूछे तो ऐसे करके बना सकते हैं। अब यहां देखिए खेल को 4 6 और 5 के गुणज को गोले में रखकर फिर खेलें, ये आपका आंसर आ गया है, बना दिया गया है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखा जाए तो 3 संख्याएं हैं 4 6 5, ये हो गया आपका 4 था और यहां थोड़ा उल्टा उन्होंने लिख दिया है 5 है और यहां इन्होंने 6 लिखा है। अगर देखा जाए तो तीनों में अगर देखा जाए तो गुणज सार्व क्या होगा, तो निकाल भी सकते हैं डायरेक्ट आप 4 5 6, तीनों का हमें निकालना है सार्वगुणज, जो तीनों में कट जाए उसी को सार्वगुणज कहते हैं। जैसे मैं इसका 60 आया, कैसे 60 आया उसको देख लेते हैं हम लोग, तो 3 संख्या है 4 5 6, ठीक है, तो 3 संख्या है 4 5 6 को यहां मैं किससे लेके जाऊंगा, सार्वगुणज की चर्चा कर रहा हूं मैं, गुणनखंड की नहीं। गुणनखंड तो होता होगा कुछ भी नहीं हो सकता, एक हो सकता है आपका, लेकिन आपका देखा जाए तो गुणज निकालना है मुझे, तो एलसीएम निकालेंगे, 2 2 4 5 1 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 3 6। अब इसको गुणा कर देना है
क्योंकि आगे ये नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, एक से कटेगा लेकिन एक का कोई वैल्यू नहीं है यहां, तो इसको हम आपस में गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, दो दूनी चार, चार त्रिका बारह, बारह पचे साठ, देखा आपने साठ बीच में आ गया, यानी तीनों में ये है साठ। वैसे ही देखा जाए चार और पांच में कौन कौन है, बीस और चालीस है, चार पचे बीस, चार दहिया चालीस होता है, आठ पांच चालीस होता है, दोनों से कट रहा है, देख रहे हैं आप साठ, ऐसे ही सबका है। अगर छह और चार का देखा जाए तो छह दूनी बारह होता है, चार त्रिका बारह होता है, चौबीस देखा जाए तो छह चौका चौबीस होता है, समझ में आ गया। तीस देखा जाए तो पांच छक तीस होता है, छह से भी कट गया, पांच से भी कट गया, नब्बे होता है, पांच में नब्बे से भाग देंगे तो लग जाएगा पैतालीस, ये हो जाएगा आपका कितना, नब्बे यहां रखिए भाग देके देख लीजिए आप कितना मर्द में जा रहा, यहां नब्बे हो गया और यहां भाग दीजिए कितना से जाएगा, ये पांच से लेके जाना है, पांच एकम पांच, यहां आया चार, यहां गया जीरो, यहां हो गया आठ पच्चे चालीस, अठारह पच्चे नब्बे, अठारह से कटा, वैसे छह से भाग देके देख लीजिएगा ये भी लग जाएगा, तो यहां रखेंगे आप छे और यहां भाग देंगे आप नब्बे से, तो छह एकम कितना होगा, छ तीन आया जीरो आया, छह पचतीस पंद्रह छक नब्बे, ये भी कट गया, तो आराम से आप देख सकते हैं कि दोनों से कट रहा है, ये होता है आपका सार्वगुणज। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए, उसने उनसे पांच पांच के समूह बनाया, कितने का समूह बनाया, एक तो बनाया उन्होंने पांच पांच का, ठीक है पांच पांच हम ले लिए, एक बीज बच गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि पांच पांच का समूह बनाया तो एक बीज बच गया, छह छह के समूह बनाए, चार चार के समूह बनाए, ठीक है हर बार एक बीज बच गया, यानी एक बीज हमेशा बच जा रहा है। सुनीता के पास कम से कम कितने बीज है, कम से कम कितने बीज है, इसका पूछ रहा है कम से कम, यानी छोटा वाला चीज पूछ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये किससे भाग लगेगा, ये तो हो गया आपका पांच और ये हो गया आपका दो त्याई छ, ये हो जाएगा दो दूनी चार, अब इसको गुणा कीजिए, ये पांच है आपका संख्या, तो पांच दूनी दस, दस तीन से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दस त्याई तीस, तीस में दो से गुणा करेंगे कितना आएगा, ये टोटल हो गया साठ, कितना हो गया साठ। अगर साठ होता है तो आराम से सबको बराबर बराबर हम बांट सकते थे, लेकिन कह रहा है एक बच जाता है, एक जोड़ दीजिए ना कितना आएगा, इकसठ आएगा, वही मेरा आंसर हो गया, ये देखिए साठ एक इकसठ, कुछ नहीं करना है केवल समझना है टिक करना है। इसके बाद साझा गुणनखंड है, ये गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया, अब कह रहा पच्चीस और पैंतीस, 25 मतलब मान लीजिए इसमें लिखना है 25 वाले को, इसमें लिखना है 35 वाले को, अगर देखा जाए तो 5 गुणे 5 होता है, 5 गुणे 5 यानी 25 हो गया, 35 का क्या होता है 7 गुणे 5 होता है, 7 पचे 35, देखिएगा इसमें 5 को हम तोड़ नहीं सकते, यह अभाज्य संख्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसको तोड़ नहीं सकते, अगर दोनों के बीच में हमको लिखना क्या होगा तो 5 लिख सकता हूं, अगर एक लिखना चाहें तो एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक में सबसे भाग लगता है, मतलब एक सबको विभाजित कर सकता है, ये तो आप जानते ही होंगे, तो यहां पांच में नहीं लिखा क्योंकि इसमें भी कॉमन पांच है और इसमें भी कॉमन पांच है, यानी दोनों में पांच से भाग लग सकता है, तो ये क्या होगा आपका सार्व गुणनखंड, यानी साझा गुणनखंड, याद रखिएगा साझा भी दे सकता है, लेकिन बुक में अभी तक सार भी दिया गया है, लेकिन यह साझा गुणनखंड है, ये देखिए पांच बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए गुणनखंड के पेड़ बनाया, अभी पेड़ बना ही सकते हैं, अठारह को कैसे तोड़ा है, कोई ये हो गया नौ, ये हो गया दो, नौ दुनी अठारह, आगे दिखाई दे रहा है कोई ये तीन त्रिका नौ होता है, इससे इससे बन गया तीन त्रिका नौ, ये दो इसमें जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये आपका पेड़ तैयार। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन है, अनु के घर में एक पार्क है, उस पार्क के बीच एक रास्ता है, उन्होंने रास्ते को दो फीट तीन फीट पांच फीट की टाइलों से टाइल करने का फैसला लिया, मिस्त्री ने पहली पंक्ति दो फीट की टाइल से, दूसरी पंक्ति तीन फीट की टाइल से, तीसरी पंक्ति पांच फीट की टाइल से किया, मिस्त्री ने किसी भी टाइल को नहीं काटा, रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है, कम से कम यानी गुणज निकालना है, जब गुणज निकालना है तो तीनों का क्या करना है, देखिए ये इतना लंबा मेथड है लेकिन मुझे तो आता नहीं है इतना सारा लंबा मेथड करने का, मैं यहां रखता हूं दो, यहां रखता हूं तीन,
यहां रखता हूं पांच, देखिएगा सब जगह यही इस्तेमाल हुआ है, दो तीन पांच, यहां भी दो तीन पांच, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं किसी में भाग नहीं लग रहा है, भाई अजीब सा है, किसी में भाग नहीं लग रहा है तो हमको क्या करना है, गुणा करने से मतलब है, ये देखिए गुणा करता हूं, पांच पंद्रह, पंद्रह दूना तीस, मेरा आंसर होगा तीस, देखिए भाग नहीं लगता, और आसान है मेरे लिए, नत लगो भाग, हम गुणा करके आंसर लिख देंगे, भाग लगता है उसको हटाना पड़ता है, थोड़ा कम करना पड़ता है, क्योंकि छोटा लिखना है ना, हटा के इसको थोड़ा सा घटा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा दो में भाग लगना चाहिए, दो में भाग नहीं लगता है तो सबको गुणा करके आंसर लिख देते हैं, ये गुणज का है। चलिए दो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार गुणज भागा 90 है, भाग करना है 90। अब 36, 54, 60 का आप क्या करेंगे, सार गुणनखंड निकालेंगे, शायद मैंने ऊपर नहीं निकाला था, चलिए हम निकाल लेते, ये हो गया मेरा 36, इसके बाद हो गया मेरा 54, इसके बाद क्या होगा मेरा 60 होगा। चलिए अब ये कह रहे हैं सबसे छोटा सार्वगुणज, तो सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना है, यानी मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल देता हूं, अगर देखा जाए तो ये किससे भाग लगेगा, 6 से लग सकता है क्या, चलिए हम डायरेक्ट 6 से कर देते हैं, 6 से भाग देंगे तो ये आपका जाएगा 6×6=36। आप लोग पहले 2 से लेके जाइएगा, फिर 3 से जाता है 3 से लेके जाइएगा, जिससे मैं थोड़ा स्पीड में हूं, स्पीड में बता देता हूं, 6×6=36, 9×6=54, 10 देंगे 60, 10×6=60। चलिए ये हुआ, अब 6, 9, 10 है, 6, 9, 10 है तो ये किससे चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3×2=6, 3×3=9, 10 का मैंने उतारा 10। अब चलिए ये किससे जाएगा, अब लग रहा है 2 से चला जाएगा, 2×2=2, 3×3=5, 5×2=10, ये हो गया मेरा। अब गुणा करना है हमको, तो हम गुणा करते हैं कि कैसे गुणा करें, तो चलिए हम सबसे बड़े वाले को गुणा कर देते हैं ताकि 0 आ जाए, 6×5=30, 6×5 कितना हो गया 30, एक मेरा आ गया 30, आप गुणा कर लीजिएगा जैसे गुणा करते हैं, मैं ऐसे गुणा कर रहा हूं ताकि जल्दी से हो जाए, 6×5=30 हो गया मेरा। अब इसको आपस में गुणा कर देंगे, 3×3=9, 9×2=18, 9×2=18 का 36 हो गया, 54 यानी 540, कितना हो गया 540, 540 को कह रहा है 90 से भाग देने के लिए, तो ये कैसे कटेगा, ये इससे इससे कट गया, 9×54 आंसर मेरा आ गया, कितना है 6 आंसर आ गया, उत्तर हो गया। अगर आपको इससे भी आसान करना है तो ऐसे कीजिए, पहले 90 लेते आइए, 90 कैसे आएगा इसमें देख लीजिए, 90 आने के लिए ये हो गया आपका 5×2=10, 10×3=30, देखिए ये कैसे कर रहे हैं, 5×2=10, 5×2=10 और 10×3=30, 30×3=90, यानी बच गया मेरा क्या 6 आंसर, 90 से भाग देना था, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है सबको गुणा कीजिए, 90 से भाग दीजिए, 9×54 आंसर, जो स्पीड आपको पकड़ना है पकड़ लीजिए, बन जाएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, मेरा देख के आपको इजी लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये सार्वगुणनखंड निकालना, दोनों एक साथ भी दे सकता है, इसका सार्वगुणनखंड निकालिए, फिर इस संख्या का सार्व आप गुणज निकालिए, फिर दोनों का गुणनफल करके जो आता है वो आंसर लिखिए, ये ऐसा भी आंसर दे सकता है, दोनों का निकाल के आप एक साथ जो करना होगा उसके साथ कीजिएगा। 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालें, देखिए 15, 24, 45, 15, 24, 45, इसका उत्तर इन्होंने दिया है 15, जो कि है गलत। चलिए इसको हम बनाते हैं, 15, 24, 45 का अभी हम लोगों ने बनाया था, ये है मेरा 15, ये है मेरा 24, ये है मेरा 45, ठीक है, तीनों का हमको बनाना है, तीनों को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 15, 24, 45 को, तो इसको कितने से भाग दें, तो देखा जाए 5×6, 4×2=6, 5×4=9, अब जितना संख्या जोड़ के हम देख रहे हैं सब में 3 से भाग लगता है, तो 3 से भाग देते हैं, तो 3×5=15, 8×3=24 और यहां 15×3=45, ठीक है, 15 है, 5 है, 8 है, देखेंगे कि दो संख्याएं हैं, यहां पे दो संख्याएं हैं, लेकिन मुझे सार्वगुणनखंड निकालना है, तो सार्वगुणनखंड का रूल मैंने क्या बताया, जितनी संख्याएं होंगी सब में क्या होगा, सब में भाग लगना चाहिए, जब 8 बीच में आ गया नहीं भाग लग रहा है तो जाहिर सी बात है मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ सीटेट में प्रश्न है, इसका तो देख के आप आंसर लगा सकते हैं, बहुत सारे मेथड है बनाने के, लेकिन इसका देख के आंसर लगा सकते हैं, देखिए
देखिए क्या है, मनोज ने एक घर नया घर बनाया, वो फर्श का टाइल बिछाना चाहता है। कमरे का आकार 9x12 फीट है। बाजार में 3 तरह की चौकर टाइल है, 1x1 फुट, 2x2 फुट, 3x3 फुट। उसे कौन सा आकार की टाइलें खरीदनी चाहिए ताकि वो बिना काटे बिछ सके। देखिए 1x1 फीट तो जानते हैं, फुट जो होता है वो आपका सबके साथ चला जाएगा क्योंकि सब में भाग लग जाता है, इसका कुछ करना ही नहीं है। 1x1 किसी में रहे वो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको सीटेड में कुछ ये ऑप्शन नहीं देगा, चिंता मत कीजिए। तो लेकिन देगा तो टिक कर दीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि देगा। ये 2x2 है, तो हमको करना क्या है, 9 है 12 है ना, तो ये भाग लगना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। भाग कैसे लगना चाहिए, 9 से भाग लग जाना चाहिए या 12 से भाग लगना चाहिए। यानी प्रत्येक संख्या को हमको जांच करना है, या तो ये इससे भाग लगना चाहिए नहीं तो इससे भाग लगना चाहिए। तो 2 देखे को चलिए, इसके साथ ये आके चिपक गया, 6x12 होता है, लेकिन दूसरा भी 2 है, तो ये भी तो लगना चाहिए, या तो इससे नहीं तो इससे। ये देखिएगा, या तो इससे लगना चाहिए नहीं तो इससे लगना चाहिए, किसी के साथ भी लग सकता है। तो ये इसके साथ जांच रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, नहीं लग रहा है। इसके साथ तो लग जा रहा है, लेकिन ये क्या खाली बैठेगा, ये नहीं बैठेगा ना। तो 2 को इसके साथ देख रहे हैं तो नहीं लग रहा है। ये अगर 8 होता तो ये मेरा आंसर हो जाता, लेकिन 8 है नहीं, 9 है, तो ये देखेंगे तो ये मेरा ऑप्शन गलत है। इसका देखिए, 3 3 9, ये 3 4 12, यानी दोनों को जांच करेंगे तो दोनों में ये भाग लग जाएगा। ठीक है, सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न, यही तरीका अपनाइएगा, एकदम निश्चित बन जाएगा। यानी इस संख्या जो भी आपको फुट में गुणा का दिया है, दोनों को देखिएगा, किसी ना किसी से भाग लग सकता है। अगर यहां पे आपका 3 देता, 3 गुणे आपका 3 फुट गुणे 4 देता, तो भी ये आंसर हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि 3 से 9 में भाग लग जाता, 4 से कितना में भाग लग जाता, 12 में लग जाता, 4 3 12। अगर यही देता 4 गुणे 3, तो ये भी आंसर हो जाता है, क्योंकि 4 से किसे लग जाएगा, 12 से लग जाएगा, 3 से किसे लग जाएगा, 9 से लग जाएगा, 3 3 9, 4 3 12। ये कटा के देख लीजिए, कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, जाके देख लीजिए, आराम से बना सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ये देखिए रानी का घर है, और रानी का घर ठीक से देखिए, ये 90 फुट का है, ये भी इसका रास्ता 90 फुट का है, ये इसका 90 फुट का है, ये गीता का घर है, नसीमा का घर है, और ये रास्ता है सबका। देख लीजिए घर है, ये रानी का घर है, गीता का घर है, नसीमा का घर है, ये 90 फुट का रास्ता है, ये 90 फुट का है, ये 90 फुट रास्ता नहीं, मतलब ये 90 फुट दूरी है इसका, इसका भी 90 फुट है, इसका भी 90 फुट है, सबका 90 फुट है। ठीक है, पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। रानी, नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती है, उनके घर से सड़क की दूरी 90 फुट है। उन्होंने घर के सड़क तक टाइल करने का फैसला लिया। उन सब ने अलग अलग डिजाइन और लंबाइयों की टाइलें खरीदी। रानी ने सबसे छोटी टाइल खरीदी, रानी ने क्या की, सबसे छोटी टाइल खरीदी। गीता ने बीच के आकार का टाइल खरीदी। नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी। नसीमा ने क्या किया, सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वो बिना किसी टाइल को काटे रास्ते को टाइल कर सकती है, तो तीनों के किस आकार की टाइल खरीदी। 3 अलग अलग तरीके बताओ, समझाओ कि तुम्हें यह उत्तर कैसे मिला। फुट पर चर्चा करना उपयोगी होगा, खासकर जब हम उनका उपयोग अपनी लंबाई के बारे में बातचीत के समय करते हैं। बच्चे अपने सेंटीमीटर स्केल पे उपयोग करके 1 फुट की लंबाई का अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन होगा कि सेंटीमीटर और फुट में क्या संबंध है। कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न तो बनता है कि आप उसका जांच के दें, फुट और सेंटीमीटर में क्या संबंध है, मतलब कितना फुट कितना सेंटीमीटर, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए इसको करना क्या है, अगर देखा जाए कि इसको तोड़ रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं तो तोड़ के देखें तो 90 का क्या होगा, 1 90, दूसरा क्या होगा 2 45, तीसरा क्या होगा 30 90, चौथा क्या होगा 5 18 18 95, चौथा क्या होगा ये आपका 15 96, अगला क्या होगा 9 10। कहें पॉसिबिलिटी क्या है, तो देखिए एक हो गया 1 गुणे 1, दूसरा है 2 गुणे 2, तीसरा है 3 गुणे 5, चौथा है क्या है 6 गुणे 6। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, आराम से इसे टिक कर सकते हैं, छोटा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा, ऐसे करके इसको तोड़ा गया 10 गुणे 90 9 गुणे 10। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेशन में क्या तुम्हें पैटर्न दिखा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न आए उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं किया गया, 90 को तोड़ा गया है, 90 को क्या किया गया है, तोड़ा गया है। तो जिससे भी भाग लग जा रहा है उसका एक जोड़ा बना दिया गया है, जैसे 1 का है 1 गुणे 1, 2 का है 2 गुणे 2,
तीन का है तो तीन गुणे तीन, क्योंकि एक ही नब्बे है, उसी को तोड़ना है। दो होता है तो दोनों को जांचते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों के लिए पूछेगा, एक के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ करेगा ना कि आप गुणा करें, भाग करें, ये करें, वो करें, बहुत सारे परेशानियां झेलें तब शायद आए। लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना था, केवल इस प्रश्न को देखिए, हमें केवल जांचना था अगर तीन रहे इधर, चार रहे इधर, या चार रहे इधर, तीन रहे इधर, कुछ नहीं, हमको देखना है कि दोनों में कट जाना चाहिए, एक संख्या से एक में भाग लग जाना चाहिए, एक संख्या से दूसरे संख्या में भाग लगना चाहिए, ठीक है, आंसर हो जाएगा। और कुछ पूछना है आपको? मेरे ख्याल से नहीं। क्वेश्चन का नाम है क्या तुम्हें पैटर्न दिखा, बहुत सारे पैटर्न की चर्चा की गई है, उसमें से कुछ पैटर्न को हमने यूज किया है। जैसे मैं देखा जाए तो ये एक कैलेंडर है, कैलेंडर पैटर्न के बारे में इसमें बताया गया है कि ये तीन चार पांच, यानी तीन को ये लिया गया है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन रो है, तीन कॉलम है, इसे हम लोग रो कहते हैं, इसे हम लोग कॉलम कहते हैं, इसको लिया गया है और इसका जोड़ निकालना है। जब भी इस तरह के प्रश्न आए कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको जोड़ने में समय वेस्ट होगा, आप तुरंत इसे कह सकते हैं कैसे, या तो आप तीन में आठ जोड़िए, आठ तीन ग्यारह होता है, ग्यारह में नौ से गुणा कर दीजिए, उतना ही समय आएगा, या ग्यारह को यानी बीच में जो है इसको नौ से गुणा कर दीजिए, वो आपका आंसर होगा। ये पैटर्न सबके साथ काम करेगा, यानी तीन तीन खंधे के साथ ये काम करेगा, इसके साथ भी आप कर सकते हैं, यहां पे कर सकते हैं, मान लीजिए इसको अगर आप लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, इसको लेंगे आप, तो यहां पे आप देख सकते हैं एक है, एक में आठ जोड़ेंगे तो कितना आएगा नौ, बीच में कितना है नौ ही है, नौ को नौ से गुणा करेंगे कितना आएगा 99 आएगा। यहां देखिए यहां 11 था, 11 को नौ से गुणा करेंगे कितना आएगा 99 आएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये एक तरह का पैटर्न है, आप देख सकते हैं यहां बनाया भी गया है, सबसे छोटा अंक लो तीन, उसमें आठ जोड़ दो को कितना आया 11, नौ से गुणा करो, नौ से गुणा करेंगे 99 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और यही कह रहा है कि सबके साथ आप जांच करके देख लीजिएगा। तो ये हुआ पहला पैटर्न। दूसरा है स्मार्ट जोड़, कभी कभी हमें जोड़ने के लिए दे दिया जाता है कि आप संख्याओं को जोड़ें, जैसे प्राकृत संख्याओं को जोड़ के बताएं एक से दस तक की, को एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस है, तो सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है 55 आता है, वहीं 11 से लेकर 20 तक जोड़ते हैं तो 155 आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग, पैटर्न है ये, 21 से लेकर 23 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 जोड़ देंगे, यानी 155 था तो कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा आपका। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह आएगा आपका, 31 को जोड़ेंगे तो 355 हो जाएगा, 455 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 555 हो जाएगा, इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ते चला जाता है, ये भी सॉल्व। इसके बाद एक क्वेश्चन इससे आता है कि यह 100 के आधा से बड़ा है, ये 100 के आधा से बड़ा है, यानी 100 के आधे से बड़ा है, यानी 50 से बड़ा है, ये क्या है 50 से बड़ा है, ये क्या कह रहा है 50 से बड़ा है, 6 दहाई से ज्यादा 7 दहाई से कम है, 7 दहाई से कम है यानी ये 6 से बड़ा है, यानी 60 से एबव है, दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से एक अधिक है, यानी अगर हम यहां 5 रख दें तो 5 से ये क्या होगा एक अधिक है, संख्याओं का अंकों का जोड़ 11 है तो इसको जोड़ेंगे तो 11 हो गया, तो ये आपका आंसर हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये लेशन आपका समाप्त हो गया। और इसके बाद हमने लेशन को ना लेके हमने लिया क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछा गया है, क्योंकि अगला लेशन अगर देखा जाए तो नक्शा है, तो नक्शे में अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे नहीं मिला, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है टोटल को आज हम डील करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, क्लोजिंग करें हम मैथ की अच्छे तरीके से। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, मेसी डेदक, मे से होता है मिलीमीटर, यहां लिख लीजिएगा मिलीमीटर, इसके बाद मे सी से होता है सेंटीमीटर, मे सी डे, डे से डेसीमीटर, इसे आप पूरा लिख लीजिएगा डेसीमीटर, मे सी डे धक, यहां पे कुछ भी लगा लीजिएगा, डे मतलब डेकामीटर, एच मतलब हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, मेसी डे धक, डी एच के से होता है किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, इसका यूज करना मैंने उस वीडियो में बताया, उसे एक बार देख लीजिएगा,
यहां थोड़ा सा मैं यूज करके आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं कहा 51 लीटर 750 को 750 मिलीलीटर, लीटर और मीटर में अंतर मुझे देखना है तो यहां पे आप लीटर लगा सकते हैं, मीटर लगा सकते हैं, और भी कुछ यूज करना है आपको तो यहां पे लगा सकते हैं। तो यहां पे मैं अगर लगाता हूं लीटर, क्या लगाता हूं लीटर, तो मुझे रिश्ता देखना है कि मिलीमीटर के साथ क्या रिश्ता है इसका। तो देखिए 1 2 3 यानी हजारवां भाग है ये, लीटर से ये तीसरा स्थान पे है, 1 2 3 तीसरा स्थान मतलब हजारवां भाग। अगर लीटर का सेंटीलीटर में मुझे देखना होता है कि कितना भाग है, दूसरा स्थान है, और वही लीटर का मुझे डेसी में देखना होता है कि कितना है, दसवां स्थान है, 10 100 1000 ये हजारवां स्थान है। तो इसको अगर चेंज करना होगा तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं 51750। इतना समझ में आ गया 51750। इसको हम डायरेक्ट मिलीलीटर में क्यों ना चेंज कर लें, दो यूज करने में हमें भाग वगैरह देने में प्रॉब्लम होगा, तो इसको डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं मिलीलीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो यहां समझने में आगे, लेकिन ये याद जरूर कर लीजिएगा, आपको चेंजिंग करने में बहुत ही आसान हो जाएगा, किसका कितना से संबंध है, किधर दशमलव लगेगा, क्या होगा, ये सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा। चलिए इसको हम बनाते हैं, ये कितना हुआ मेरा 51750, ये हुआ 51750। एक ही माप साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, ठीक है, 23 बोतलों में, ये कितना कह रहा है, 23 बोतलों में मुझे कितना भरा हुआ मिल रहा है दूध, तो 51750 मिल रहा, ठीक है, 23 बोतलों में मिल गया। अब कह रहा है ऐसी 16 बोतलों में, यानी 23 बोतल, देखिए बोतल के नीचे मैं यहां बोतल लिखता हूं, 16 बोतल में पूछ रहा है कि दूध की मात्रा कितना होगी, यानी यहां मेरा मान ये निकाल देना है। तो फॉर्मूला तो मैं यही यूज करता हूं कभी भी, तो इसको क्या करूंगा, इसके साथ गुणा कर दूंगा, इसको क्या करूंगा, इसके साथ गुणा कर दूंगा, जब इसके साथ गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 यहां आ जाएगा, और बटा में मेरा क्या हो जाएगा, तो इसके साथ ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा, अब 23x हो जाएगा तो x का मान निकाल देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां 23 मेरा आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, बस बराबर करना है, बराबर जब कीजिएगा तो ये कहां जाएगा, यहां जाएगा, और ये कहां आ जाएगा, इन दोनों में समान है तो ये यहां आ जाएगा, बस अब इसको काट दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। काटिएगा तो इसको इसको भाग दे के देख लीजिएगा, भाग देना निश्चित ही आपको आता है, हम थोड़ा फास्ट आज चल रहे हैं, तो 2250 आएगा, कितना आएगा आपका 2250, मे बी मिस्टेक हो सकता है लेकिन आप उसे काट के देखेंगे, अब 2250 को 16 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग 36000, कितना आएगा आपका 36000 आएगा। तो आप जानते हैं कि मिली लीटर और लीटर में क्या संबंध है, ये मिलीलीटर में आ गया क्योंकि हमने चेंज किस में किया था, मिलीलीटर में, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो हजार स्थान इसका काट देंगे तो कितना आया मेरा 36, आ गया आंसर 36 लीटर। कुछ नहीं करना है, केवल देखना है आंसर खट, केवल गुणा भाग आपको आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो, नहीं तो इससे भी बेसिक रूप में मैंने समझाया एक प्रीवियस ईयर सॉल्व किया उसमें पूरा बेसिक कैसे गुणा करते हैं कैसे भाग करते हैं सब कुछ समझाया, उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी मानचित्र पर 1/2, ये नक्शे से संबंधित है, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर दूरी को निरूपित करती है। अब दोनों ये कह रहा है कि देखिए प्रश्न बाद में बनाएंगे, पहले कह रहा है कि ये कह रहा है क्या 1/2 मानचित्र पर, और ये किसके बराबर है, 200 धरती पर के बराबर है, 200 धरती के बराबर है, तो इसको क्या करना है, हम दोनों को बराबर कर दिए, कह रहा है कि मानचित्र पर बनाते हैं तो 1/2 है और धरती पे बनाते हैं मतलब भूमि अगर ऐसा देखा जाए तो ये 200 है, तो चलिए हम दोनों को बराबर किए, दोनों को बराबर करेंगे तो हम जानते हैं कि बराबर जब भी होता है तो तिरछा गुणा होता है, ये इसके साथ जाएगा ये इसके साथ जाएगा, यानी 1 बराबर कितना आ गया, अगर हम 1 लिखते हैं तो यहां हमको कितना लिखना होता है 400, तो 1 का मान निकालना बहुत जरूरी होता है, तो 1 का मान निकालिए 400, यानी किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी हो तो भूमि पर कितना होगा 400 किलोमीटर की दूरी निरूपित करेगा। आगे समझ में, कैसे किया मैंने, दोनों को कितना हो बटा में कुछ भी दिया हो बराबर दोनों को कर देंगे, यही मेरा होगा, मैंने बराबर कर दिया तो ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर आएगा, तो कितना होगा मेरा ये 400
किलोमीटर की दूरी को निरूपित करेगा। यदि भूमि को दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। अब निरूपित कितना करना है 1800, दिया कितना है 400, तो इसको मुझे क्या करना है चेंज करना है। चेंज करना किसमें है, इसमें चेंज करना है, यानी मुझे मानचित्र पर दिखाना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मानचित्र पर दिखाना है यानी उसको छोटा भाग करना है। छोटा कब होगा, जब इससे भाग करेंगे, तो 1800 को 400 भाग कर देंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए दो जीरो से दो जीरो काट दिया हमने, चार से मैंने 18 को काटा, तो चार चौका 16, दो बच गया, अगर चार पचे 20 मैंने काट दिया, 4.5 आ गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर दशमलव में आंसर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो इसको बट्टे में लिखेंगे, तो ये कटेगा कैसे, दो दुनी चार और ये हो जाएगा आपका 9 दुनी 18, ये होगा 9/2, यानी इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2 का अगर हम पूर्णांक तोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो भाग दीजिए 4 दुनी 8, ये दो नीचे आ गया, ये हो गया 4 दुनिया 8, एक ऊपर आ गया। अब जो भी इससे मिलता है वो मेरा आंसर हो जाएगा, चार नंबर मिलता है तो चार नंबर मेरा आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, केवल आपको समझना है, नहीं समझ में आता है तो दोबारा मैं समझा देता हूँ। ये दोनों कह रहा बराबर है, अगर दोनों को मैं बराबर में लिख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 400, एक सेंटीमीटर में 400 किलोमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है कि 1800 किलोमीटर दर्शाना है मुझे, 1800, तो जब एक में 200 है तो 1800 में कितना हो जाएगा, 1800 बटे 200, दोनों को काट देंगे, जो आएगा मेरा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, देखिए इसका मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसका मतलब समझते ही नहीं है। चलिए इसको हम बनाते हैं, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको चेंज ही कर लेते हैं। तो ये कह रहा है एक सेंटीमीटर, यानी एक बराबर कह रहा है, इसके बराबर है ये, एक मीटर का शतांश, एक मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का हम मान मैं जब भी बनाऊंगा तो समान रखता हूं, अब भी समान रखो, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो कितना होगा, तो मीटर सेंटीमीटर में चेंज होगा, तो मीटर क्या है, मीटर बड़ा है, को छोटे में चेंज करेंगे, बड़ा से छोटे में चेंज करेंगे तो वो क्या होता है, गुणा होता है, को एक मीटर 100 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि सेंटीमीटर में मुझे 100 रखना चाहिए कि मीटर में 100 रखना चाहिए, तो दिमाग तुरंत दौड़ाइए कि मीटर जो है वो बड़ा होता है, बड़ा होता है मतलब बड़े में 100 होगा, को एक बराबर 100 का शतांश, इसका कह रहा है शतांश, शतांश मतलब होता है 1/100, शतांश मतलब क्या होता है 1/100। अब इसको काट दीजिए, दोनों बराबर है, पल्ला 1/1, मेरा ये सही है, सही नहीं पूछ रहा। 1 मिलीलीटर एक लीटर का शतांश है, ये कोई डायरेक्ट आपको देखने से लग रहा है कि इसका जब 100 है तो ये 1000 का अंतर है, तो ये गलत हो जाएगा, डायरेक्ट लग रहा है। चलिए आप बना देता हूं, अगर आपको परेशानी हो रही तो यहां मैं बना देता हूं, ये 1 मिलीलीटर का रहेगा, 1 बराबर मिलीलीटर, लीटर में कितना होता है 1000 का होता है, तो मैं करूंगा यहां 1000 × 1/100 कितना होगा 1/100। अब 1/100 लिखा कर 2 कट जाएगा, इधर हो जाएगा कितना, 2 इधर काटा है 2 इधर काटा, इधर बचा 10, 1/10, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, सही नहीं पूछ रहा, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, 1 लाख बराबर है 100,000 के, कुछ देखिए कैसे पढ़ते हैं आप लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 100,000 बोलिए चाहे 1 लाख बोलिए, सही है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, कुछ फिर से काउंट कीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 100 लाख कहिए या 1 करोड़ कहिए, बराबर है, तो ये भी सही है आपका, दोनों सही है। चलिए अगला एक क्वेश्चन पे चलते हैं, एक घनाबाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, एक घनाबाकार बक्से का भुजा 12 सेंटीमीटर है, तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 30-60 घन पैक करना चाहती है, उन घनों की संख्या जो इसमें पैक नहीं हो पाएंगे, जो इसमें पैक नहीं हो पाएंगे उसका घनों का संख्या निकालना है, बहुत ही आसान है, देख के आप डरिएगा नहीं। देखिए जब भी इसका निकालते हैं तो इसका क्या करेंगे, आयतन निकाल जाएंगे, आयतन समझते हैं वही क्षेत्रफल जो बचपन से निकालते आए आयत वगैरह का, तो क्षेत्रफल में क्या किया, ऊंचाई को जोड़ दिया तो कहते हैं इसको आयतन, तो डरिए नहीं, आयतन मतलब क्या, वही क्षेत्रफल, सबको गुणा करना है, गुणा कैसे करना है, लंबाई को चौड़ाई को और ऊंचाई को, तीनों को गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब ये घनाभ में एक ही दिया, एक ही क्यों दिया है, घनाभ क्या होता है ना, जैसे वर्ग का करते थे ना वर्ग का, वैसे ही घनाभ होता है, इसका सब बराबर होता है, बराबर होता है तो क्या करें, 12 को 3 बार गुणा कीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे ये दिया है घनाभ में 3 ठो, इसको भी 3 ठो में गुणा कर दीजिए, तो अगर देखा जाए तो 13, 11, 9 जब भी बक्सा का 1 सेंटीमीटर दे तो कुछ नहीं करना है,
दो सेंटीमीटर दें तो इतना का गुणा कीजिएगा उसका नीचे में उतने ही से आपको क्या करना है भाग करना होता है, उतने ही से क्या करना होता है भाग करना होता है। तो ये देखिए तनु बक्से में एक सेंटीमीटर भुजा वाले, एक सेंटीमीटर भुजा वाले के पैक करना चाहती है, वो भी घन है, वो घन मतलब क्या, यहां देखिए ये भी घन है, घन मतलब एक ही देगा, एक ही देगा तो तीनों से आप गुणा करेंगे नीचे में, एक है तो इसको कुछ नहीं करना है, मतलब बस एक मतलब कुछ नहीं, एक में एक से गुणा करेंगे फिर एक में गुणा करेंगे जो भी है वही आंसर। मान लीजिए यहां दो दे देता है, कितना देता है दो, तो नीचे में हम कितने से करते हैं कि यहां भी दो होता, यहां भी दो होता, यहां भी दो होता है, और इसको हमको भाग दे के तब जितना संख्या आता वो होता, फिर इसका भी वैसे ही इतना होता, फिर नीचे में जितना संख्या होता दो होता तीन होता, उसको मतलब गुणा में गुणा करके ऊपर वाले से भाग दे के तब मेरा वो आंसर होता। अगर यहां पे घन ना देके घनाम देता तो तीन ठो देता, तो तीनों को हम गुणा करते हैं तीनों से भाग देते हैं, यानी ये तीन ऊपर है फिर ये तीन नीचे लिखते हैं तीनों से हम भाग देते जो आता है वो मेरा आंसर है। ठीक है, इसमें भी सेम दोनों को जोड़ के तब आंसर करना है इसमें। इस तरह के जब भी प्रश्न देता है कि दो नहीं देगा एक ही देगा कि एक घनाम इतना मीटर, इतना इतना सेंटीमीटर लंबा, इतना सेंटीमीटर चौड़ा, इतना सेंटीमीटर ऊंचा है, और उसको एक घनाभाकार बक्सा छोटा छोटा रखना है जिसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, दो सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर, चार सेंटीमीटर, बाकी सब कुछ नहीं पूछेगा, तो उसको ऊपर वाले को ऊपर रखेंगे नीचे वाले को नीचे रख देंगे। ये मेरे ख्याल से आपको पूछेगा किसमें, सिक्स टू एट में, इसमें नहीं पूछना चाहिए, नीचे वाले को नीचे रखेंगे दोनों को भाग देकर जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब इसमें वैसे नहीं पूछा है तो एक पूछा है तो एक को हम कुछ नहीं करेंगे, एक मतलब मेरे लिए एक मतलब जीरो, मतलब कुछ नहीं उसमें, कहीं कुछ जीरो नहीं मतलब एक मतलब कुछ भी नहीं करना है। तो यहां 13, 11, 9 इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो वो संख्या हमको लिखना होगा। जैसे अगर बातचीत की जाए तो 13, 11 और 9 को अगर हम गुणा करते हैं तो आपका आ जाएगा 1287 आएगा। 13, 11, 9 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1287। आप गुणा करके देखिएगा, 13, 11, 9 का गुणा करेंगे 1287 होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि बक्सा में जब रखते हैं तो एक में आटा कितना 1287, अब दूसरे को तीन बार गुणा करेंगे 12×12×12, क्यों, क्योंकि ये घन है, घन है को 12×12×12 करेंगे तो तीनों को अगर हम 12×12×12 करते हैं तो ये होगा 1728, ये कितना हो जाएगा 1728। अभी दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे 1287 + 1728 तो ये हो जाएगा आपका कितना 3060, कितना हो जाएगा सॉरी 3060 बोल रहे 3015 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका 3015, जोड़ भी लीजिए 8 × 7 = 15 × 5 = 1 × 8 = 10 × 11 = 1, ये हो जाएगा 7 × 2 = 9 = 10 × 1 = 1 × 2 = 1 × 2 = 3, तो 30 15 हुआ। अब 60 में से घटा देंगे को कितना आएगा, को 10 में से 5 गया 5, यानी इसमें 5 संख्या वाली दो ठो है, चलिए ठीक है। अब इसमें और देखा जाए तो यहां बचा कितना 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 45 मेरा आंसर। कुछ नहीं करना है केवल देख के टिक करना है, केवल बनाना है। 13, 11, 9 को मैंने आपस में गुणा किया, एक होने के कारण नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा, फिर 12 का भी गुणा किया, इसका जितना संख्या है उसका और इसका जितना संख्या है इसका, दोनों को मैंने जोड़ दिया, और ये मेन वाले इतने घन रखने हैं ना, मेन वाले से मैंने घटा दिया, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के समय, ये तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, आप वहां से बना लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है तो आराम से दो घड़ी बनाइए, क्या कीजिए दो घड़ी बनाइए और दोनों घड़ी का समय लिखिए। ये मैं यहां सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा चाहे वीडियो देख लीजिएगा। यहां देखिए थोड़ा सा मैं हिंट्स दे दे रहा हूं, यहां हुआ और यहां हुआ, दोनों घड़ी मैंने बना दिया और इसमें 12 यहां मतलब 1, 2, 3 सब लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4 यहां एक नहीं होगा, एक यहां होगा, यहां 12 से स्टार्ट करते हैं, जैसे घड़ी होता है वैसे बना लीजिए 12, 1, 2, 3 यहां होगा 4, यहां होगा 5, इसके ठीक नीचे होगा 6। आप अच्छे तरीके से कॉपी में बनाइएगा, थोड़ा माउस का प्रॉब्लम यहां इसके कारण यहां पे आप लिखते हुए चले जाइएगा, फिर इसमें भी वहां तक लिखते हुए चले जाइएगा। ठीक है, दोनों में आप घड़ी बना लिए, दोनों में समय लिख दिए, बहुत ही आसान है इसको बनाना, घड़ी बना लिए। अब ये कह रहा है कि 8:49 PM है, दिल्ली में समय कितना है 8:49 PM है। अब देखिए कि 8:49 कैसे बचेगा, तो एक यहां से लेके जाइए, एक 8 पे रखिए और फिर 1 49 पे यानी 50 के लगभग में रखिए,
एक 50 के लगभग में रखिए, फिर और उसके बाद सिडनी में अगले दिन 1:19 हो रहा है, सिडनी में अगले दिन क्या हो रहा है 1:19 हो रहा है, तो क्या कीजिए वहां पे क्या कीजिए 1:19 बजा दीजिए। तो 1:19 कैसे बजाएंगे, तो आपका एक यहां होगा एक पे, एक होगा ये 19 पे, यहां लगभग आएगा 20 से पहले, तो ये दोनों हो गया। फिर यही दिल्ली में समय है 11:19, फिर यही यदि दिल्ली में 11:19 है तो दोनों का अंतर देखिए, सबसे पहले दोनों का अंतर देखेंगे। अब यहां से काउंट करते हुए जाइए कि इतना घंटा हुआ, यहां 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 तक आए तो कितना देर हुआ, को कितना देर हुआ उसको आप क्या करेंगे लिख लेंगे कि इतना देर में इतना देर बजे, यानी 8:45 हो रहा है तो 1:19 AM बजते बजते कितना घंटा लगा। अगर ये 10 घंटा लगता है या 12 घंटा लगता है, जितना घंटा लगता है उतना घंटा यहां लिख दीजिए, ठीक है, उतना घंटा हमने लिख दिया, यहां जोड़ के लिख सकते हैं, घड़ी पे आप आराम से काम कर सकते हैं। फिर दिल्ली में समय 11:19 है तो दिल्ली में क्या कीजिए 11:19 बना दीजिए, दिल्ली में क्या कीजिएगा 11:19 बजा दीजिएगा, 11:19 के बाद जितना घंटा मेरा आया है, ये जितना घंटा आया है उसको उतना घंटा आगे बढ़ा दीजिए, जहां जाके सुई रुकेगी वही आपका आंसर हो जाएगा, वही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। मे बी ये 3:49 आ सकता है, आप एक बार ट्राई करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, निश्चित ही बन जाएगा, घड़ी से बनाइएगा, घड़ी में समय दर्शा दीजिएगा, बन जाएगा। देखिए एक और मानचित्र का आया है, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है, कुछ नहीं करना है, मैंने बताया क्या आधा सेंटीमीटर यानी 1/2 को ये कितना बराबर भूमि पर दर्शाता है 125 से, यानी 125 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इतना पता है आपको, इतना बराबर है यानी 125 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये मेरा कितना निकल गया 1 सेंटीमीटर में 125 गुणे 2 किलोमीटर दर्शाता है, यानी कितना हो जाएगा ये 5 × 10 के 0 और हो जाएगा आपका 2×4=5 और 2×2 यानी 250 किलोमीटर दर्शाता है। दो नगरों के बीच की दूरी कितना है 2000 किलोमीटर है, तो चलिए 2000 का मैं डायरेक्ट ही 2000 लिख देता हूं, 2000 को दर्शाना है। अब इसको क्या करना है, काट देना है, अगर इससे मैं काटता हूं तो ये हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 1000। अब 1000 को 125 से भाग देना है, 1000 को 125 से भाग देने को भाग दीजिए इसको, अगर हम 5 से देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5×10=25 यानी 25 आया, इधर 5 से भाग दीजिए, यहां पे मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा आपका 5×10 ये हो गया 200। अब इसको फिर से भाग दीजिए, 25 से ही दे सकते हैं क्या हम लोग, तो 25 का पहाड़ा पड़िए इसको लेके जाइए आप कितना मर्त में, 8 मर्त में लेके जाइए तो कितना जाएगा, गुणा ही कर देते हैं हम आसानी के लिए, कर रहा हूं मैं तो डायरेक्ट काट दूंगा, 8×5=40 के 0 हाथ में 4×8=16=4=20 यानी 8 से ये गुणा करेंगे तो हम ये काट सकते हैं, यानी मेरा आंसर कितना होगा 8 सेंटीमीटर। इसको क्या करूंगा मैं डायरेक्ट काट दूंगा 8 बार में, 125 को काट 25 को कितने 8 बार में लेके जाऊंगा तो 200 आ जाएगा, तो मेरा कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये ऐसे बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 4 घनाकार की विमाएं सेंटीमीटर में नीचे दी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है 18,440 सेंटीमीटर घन पैक करने के लिए इस बक्सों का प्रयोग कीजिए। देखिए इतना सारा दिया है, सबको क्या कीजिएगा, सबको आपस में गुणा करके लिख दीजिएगा, जैसे इसको गुणा करके लिखिएगा तो आपका आएगा 9000, कुछ नहीं करना है आपको, बस देख के आंसर टिक करना है। 23, 20 और 20 है, इसको गुणा कीजिएगा तो कितना है 9200, आपको देखिएगा तो कहिएगा कि ये तो इतना आसान है कि क्या कहा जाए। इसका 20, 22, 21 को गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये होगा 9240। अगर इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 91 20 91 20 91। अब कर इसको पैक करने के कौन सा बक्सा का यूज होना चाहिए, तो ये 18,440 है, किसको जोड़ने पे 18,440 आएगा, किसको जोड़ने पे 18,440 आएगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें दो संख्या 9200 और 9240 जोड़ते हैं, 9200 और 9240 जोड़ते हैं तो ये आपका आ जाएगा 18,440 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन होगा 2 और 3 2 और 3 जहां भी होगा उसे मैं टिक कर दूंगा, बस सबको आपस में गुणा कीजिएगा, जो आएगा उसको आपको जोड़ना है, उसको क्या करना है आपको जोड़ना है, जोड़ के जिससे मिल जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानचित्र से ये संबंधित है, मानचित्र का ये दूसरा क्वेश्चन है। किसी मानचित्र का ये तो हम लोग बना चुके हैं, आप लोग बना के दोबारा दिखा दीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, लेकिन खुद से बनाइएगा। और इसके बाद इसका भी हम लोग शायद चर्चा कर लिए हैं, और इसके बाद घनाभ का भी चर्चा हो गया है, इसको ये चीज छूटा हुआ है, इसको हम बनाते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर है और 21 सेंटीमीटर है। देखिए इसके लिए एक नहीं होगा तो मैं पिक्चर दे दूंगा, उसका सारा सॉल्व कर लीजिएगा, निश्चित ही ये बन जाएगा। एक समझा देता हूं मैं यहां पे, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई इतना और इतना है, लंबाई और चौड़ाई आयत का, तो लंबाई कितना हो गया एल बराबर 48 और चौड़ाई का अगर 20 लिखते हैं तो बी लिखिएगा, जो लिखना वो लिखिए, चौड़ाई ही लिखिए, नहीं समझ में आ रहा तो 21 लिखिए, ठीक है। एल 48, बी मैंने 21 लिखा है, आपको जो लिखना है लिखिएगा। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इस आयत की लंबाई का क्या है 2/3 है, तो यहां पर मैं देखता हूं आयत की लंबाई का 2/3, आयत की लंबाई क्या है, लंबाई मैंने 48 लिखा है, 48 का इसने बोल दिया है कि 2/3 है, तो मैं करता हूं इसका 2/3 2/3। अब इसको काटिए, 3 * 3 यहां हो गया 18, तो ये कितना बार में जाएगा, तो 6 * 3 = 18, 16 * 16, 16 * 32, 16 * 48, तो 16 * 2 कितना आएगा 32 आएगा, ये आ गया मेरा 32। वो किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है यानी 32 है। अब इनमें क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर का योग है, अब इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर का योग है। अब देखिए क्या कह रहा है, इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर का योग है, यानी इसका और इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना कैसे निकलेगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा, और 48 और 21 का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे, 48 और 21 का 48 * 21 आपस में गुणा कर देंगे, जो आएगा वो, यानी ये जो आ रहा है, और फिर 32 का स्क्वायर यानी 32 * 32 ये जो आएगा वो, फिर क्या करना है, दोनों इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर का योग है, यानी जो दोनों आ रहा है दोनों का जोड़ का मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर का योग है, तो दोनों का मतलब ये कर दीजिएगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दोनों का गुणा करते हैं, इसका भी गुणा कर दीजिएगा, तो वो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी आपको, बन जाएगा। चलिए, कौन सही नहीं है इसको देखना है, तो जो सही नहीं है उसको देखना है, तो इसके लिए 25 शतांश मतलब 25/100, तो ये तो सही है, डायरेक्ट सही है, 25 शतांश मतलब 25/100, शतांश मतलब 1/100 होता है, तो 1/100 होगा, 100 नीचे आ जाएगा, 0.57 बराबर है इतना के, 0.57 बराबर इतना है, जी हाँ ये दोनों बराबर है, दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी ये कह रहा है, नीचे वाला चलते हैं पहले, इतना मिलीलीटर इतना लीटर के बराबर है, तो आप जानते हैं कि लीटर और मिलीलीटर में क्या ये संबंध है, तो 2000 ये होता है, कितना होता है ये 2000 होता है, तो 2000 + 9 हो गया, तो 2009 हो जाएगा, तो ये भी क्या है सही है, 2009 मिलीलीटर। अब ये बच गया 30 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 × 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है, तो दोनों का आपको निकालना होगा, तो दोनों का कैसे निकालेंगे, तो ये है 30 सेंटीमीटर वर्ग वाले का क्षेत्रफल, 30 सेंटीमीटर भुजा यानी 30 × 30 ये लगभग कितना आ जाएगा 900, भुजा है, भुजा को दोनों में आपस में गुणा कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा इतना के बराबर है, आयत इतना और इतना आयत के क्षेत्रफल के समान है, दोनों को गुणा करेंगे इधर भी, तो ये तो कमी हमको दिखाई दे रहा है, दोनों दशमलव में तो बहुत कम आएगा, दोनों का गुणा अगर हम करते हैं आयत का तो बहुत कम होगा, ये देखा जाए तो ये हो जाएगा 25 * 5 हाथ में 2, ये हो जाएगा 4 * 2 = 8, 8 * 2 = 10, और दशमलव का ये तो 1 आ गया, यहां से ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब गुणा करके देख लीजिएगा, कुछ मिस्टेक होगा तो आप
क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन देखा जाए तो ये आपका गलत है। तो ये सही हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल को दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो आएगा, अगर दोनों बराबर है तो सही है, दोनों बराबर नहीं तो गलत है, तो ये गलत है। चलिए, एक विद्यालय में 660 विद्यार्थी है, एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी है, 660 है, इन विद्यार्थियों का दो तिहाई लड़के हैं, इन विद्यार्थियों में कितना है, दो तिहाई लड़का है, लड़का निकाल लिया गया पहले, को ये निकालेंगे कैसे, 660 का दो तिहाई, 660 का कितना कह रहा है, दो तिहाई, दो बटे तीन, ये तो जानते हैं हम, दो बटे तीन, दो बटे तीन आ गया, को तीन से इसे क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, तो तीन से भाग देंगे, तीन दूनी छह, तीन दूनी छह, यानी अगर देखा जाए तो ये कितना है, दो दूनी चार, दो दूनी चार, यानी 440 कितने हैं, लड़के हैं, 440 लड़के हैं, जब लड़के 440 है, अगर लड़कियां भी तो होगी तो घटा लीजिए लड़के में से लड़कियां, तो ये हो गया आपका कितना आएगा, 440 अगर इसमें घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये लड़के हो गए बॉयज, मैं लिख भी देता हूँ बॉयज हो गया, अब लड़कियां का निकाल लेते हैं, तो 440 घटाएंगे तो यहाँ आएगा जीरो, और यहाँ छह में से चार गया दो, छह में से चार गया दो, यानी 220 कितनी है, गर्ल है वहां पे, लड़की है, लड़कों की संख्या की तीन चौथाई, लड़कों की संख्या की तीन चौथाई, यानी 440 का तीन चौथाई, 440 का तीन चौथाई मतलब तीन बटे चार, कुछ करना ही नहीं है, बस देखते जाइए लिखते जाइए, तीन बटे चार कटाइए, ये 440 है, चार कम चार, चार कम चार जीरो, यानी 110, 110 को तीन से गुणा करेंगे कितना आएगा, 330, कितना आएगा, 330, तो ये क्या हो गए आपके, हो गए तीन चौथाई खिलाड़ी, यानी ये खिलाड़ी हो गए लड़के जो खिलाड़ी हैं, अब लड़कियों की संख्या का एक चौथाई, अब लड़की की संख्या 220 है, को 220 को एक चौथाई मतलब एक बटे चार, एक चौथाई मतलब एक बटे चार से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो चार से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पांच का 20, और ये आया आपका पांच का 20 आया, फिर पांच का 20 यानी 55 आया, अब 55 को तीन 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 जीरो से जोड़ देंगे, क्योंकि विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछा होगा, वही पूछा भी है, विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या है, तो संख्या मतलब क्या, इतनी लड़कियां हैं और इतने क्या है, खिलाड़ी लड़के हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, तो पांच आ जाएगा यहाँ पे, जोड़ना आता है ना आपको, तो ये देखिए यहाँ पांच लिखिएगा, यहाँ क्या लिखिएगा, पांच लिखिएगा, कभी कभी ये देता है प्रश्न कि यहाँ एक संख्या दे देगा, यहाँ एक संख्या दे देगा, और यहाँ पे कहेगा कि स्थानीय, तो वहां पे पूछे कौन सा प्रॉब्लम है, तो ये स्थानीय मान वो नहीं जानता होगा कि इधर लगाना है कि इधर लगाना है, इसलिए वो गलती करता है, तो ये हो गया आपका पांच, ये क्या हो जाएगा, पांच तीन आठ, ये हो जाएगा तीन, ये 385 आ रहा, कोई आंसर है तो है, 385 जोड़ के कुछ नहीं करना, केवल देखना है और आंसर करना है। देखिए ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर से बना देते हैं, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइले लगाना चाहती है, टाइलों का निम्न साइजों में से वो कौन सा, देखिए एक 9 मीटर है, एक 7 मीटर है, इसको 900 कर दीजिए या 700 कर दीजिए, चाहे मैं डायरेक्ट बना दूं, अब इसमें देखता हूं 9 से कौन भाग लगता है, 35 को 35 9 से भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा, 9 5 45 ये इससे भाग लगता है, 7 5 35 इससे भाग लगता है, मेरा ये आंसर है खट, लेकिन आप यहाँ 900 कीजिएगा, यहाँ 700 कीजिएगा, फिर आप भाग लगा के देखिएगा, इससे लग रहा है, ये इससे लग रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया, हमेशा आप फंस जाते होंगे, कैसे फंसते होंगे, कभी कभी दे देता है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है हम बनाते हैं, कभी कभी दे देता है कि एक दिन में चाहे दो दिन में कितने सेकंड होते हैं, दो दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो दो दिन में सेकंड पूछा है, तो दो गुणे 24, तो ये किसमें हो गया, घंटा में चेंज हो गया, अब इसको कह रहा है दो गुणे 24 लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद दो गुणे 24 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका घंटा, अब घंटे को किसमें चेंज करना है, मिनट और सेकंड को, मिनट के लिए मैं 60 करूंगा, अब फिर सेकंड के लिए कितना करूंगा, 60 करूंगा, ठीक है, अब वही मिनट में पूछेगा तो ये मैं लास्ट वाला मतलब 1:60 से गुणा कर दूंगा, याद रखिएगा, अगर वो मिनट में पूछता है तो 1:60 से गुणा करूंगा, अगर वो सेकंड में पूछता है तो 2:60 से गुणा करूंगा, याद हो गया, इसको याद कीजिएगा, ये कंसेप्ट बैठ गया आपके दिमाग में तो इसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए यहां पे 6 सेकंड की बात, 6 घंटा में सेकंड की बात की गई है ना, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे पता है कि घंटा से मुझे सेकंड जाना है यानी 2 बार 60, घंटा से यानी सेकंड जाना है यानी 2 बार 60,
घंटा से सेकंड यानी 2/60। अगर इसको बट्टे में कब लिखते हैं तो देखिए ये घंटा से सेकंड में जा रहे हैं तो क्या हुआ, गुणा होगा। वही सेकंड से यानी सेकंड छोटा है, छोटा से अगर हम बड़ा में जाते हैं तो क्या होता, भाग हो जाता है। क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 6 × 60 × 60 निम्नलिखित में से किसके मिनटों के संख्या के बराबर है, मिनटों के संख्या मतलब जो भी होगा ये दिन है, तो दिन को किससे हम गुणा करेंगे, दिन को आप जानते हैं कि 24 से गुणा करके, अगर मिनट कह रहा है तो 24 से गुणा करके हमको क्या करना है, 1/60 से यानी मिनट में चेंज करना है, यानी 1/60 से गुणा करना है। सेकंड कहता है 2/60 से गुणा करता मैं, तो किसमें हम करें कि 24 से फिर 60 में गुणा कर दे, तो सबसे पहले यहां मैं लिख ही देता हूं, पहले दो चीज तो मेरा होगा, एक होगा 24, दूसरा क्या होगा 60 होगा, और ये करना क्या है, दोनों मेरा बराबर आना चाहिए। तो देखा जाए तो 1 × 60 से तो 1/60 में काट दिया, ये हो जाएगा 6 × 24, क्या हो गया 6 × 24, बचा मेरा कितना 4 है, ऊपर 60 है, तो 4 में मैं किससे गुणा करूं कि ऊपर वाला 60, 4 में किससे गुणा करूं कि ऊपर वाला 60 मेरा कट जाए। तो अगर यहां मैं 12 रखता हूं तो 12 × 4 = 48 नहीं कटेगा, 15 रखता हूं 35 × 3 = 45 कट जाएगा, अरे कट जाएगा, 15 × 4 = 60 होता है, यानी देख रहे हैं कुछ करना ही नहीं है, बस देखना है 15 × 4 = 60 होता है। अब जानते हैं तो यहां रखिए 4 और ये 4 से क्या कीजिएगा, नीचे वाला 4 काट दीजिएगा, बस 15 × 4 = 60, ये 4 से 4 काट दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, हमारा आंसर। आप लोग झूठ मूठ का परेशान होते हैं, कुछ नहीं है मैथ में, केवल देख के आंसर करना होता है। देखिए हरुण ने एक, ये थोड़ा मिटा हुआ है, हरुण ने ये हट नहीं रहा है पता नहीं क्यों, हरुण ने एक दुकान पर गया, वहां उसने 1.5 दर्जन, चले उसे कोई मतलब नहीं, 1.5 दर्जन केले खरीदे। 1.5 दर्जन का मतलब क्या, 1.5 दर्जन यानी कितना केला खरीदा होगा उसने, 1.5 दर्जन यानी 12 × 6 = 18, 12 1 दर्जन को, 1.5 दर्जन यानी 12 × 6 = 18, 18 दर्जन केला खरीदा, तो ये कितना हो गया आपका, इतने रुपए किलो की दर से 3.5 किलो सेब खरीदा, 3.5, ये तो मेरा पढ़ाया हुआ है, आपको बना लेना चाहिए इसको, 3.5 किलो सेब इतना रुपया के किलो की दर से खरीदा, 1.5 किलो आम इतना रुपया प्रति किलो के दर से खरीदा, 750 ग्राम अंगूर इतना रुपये प्रति किलो के दर से खरीदा, उसने फल विक्रेता को 500 रुपये का नोट दिया तो कितना रुपये वापस मिलेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका, ये आंसर आप खुद मुझे बना के दिखाइए। और सबको करना क्या है, तो मान लीजिए कि 1.5 दर्जन है, तो 1.5 दर्जन तो प्रति केला यानी 1 केले का कितना है, 2.50, यानी ये कितना हो जाएगा, 1.5 दर्जन यानी 1 दर्जन और आधा दर्जन यानी 18 हो गया, 12 × 6 = 18, 18 केले का इतना है, 18 × कितना निकालना है, 18 × 2.50, तो ये एक संख्या हो गया, इसको जोड़ में रखेंगे जो आएगा, फिर 3.5 किलो सेब खरीदा, 3.5 किलो कितना मतलब 3.5 यानी 3 किलो का इतना, फिर आधा यानी इसका 1/2 जितना आएगा उसको जोड़ के आपको अलग रखना है, ये मैं समझा चुका हूं, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं। 1.5 किलो आम, 1.5 किलो आम मतलब कितना, यानी 1 किलो का दाम इतना हो गया, आधा किलो का इतना बट्टे 2, इतना बटे 1/2। इसके बाद 750 ग्राम, 750 ग्राम क्या खरीदा, अंगूर खरीदा, तो कुछ नहीं करना है, इसका भी निकाल लीजिएगा, कैसे निकालिएगा, तो 120 क्या कीजिएगा, 120 होगा, 120 का इतना ग्राम है यानी 750 ग्राम को 120 गुणे आपका ग्राम है, तो 0.750 भी डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, चाहे 1/750 भी कर सकते हैं, तो उसको काट के आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फल विक्रेता ने 500 दिया, को जितना भी आता है आपका पैसा उसको जोड़ के घटा के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आप अच्छे से समझ लिए हैं। अब 6/5 में कितने 1/10 होते हैं, ये भी बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे, तो 6/5 कह रहा है, क्या कह रहा है, 6/5 में 1/10 कितने होते हैं, तो ये देखिए किसी भी संख्या का अगर आपको उसका निकालना है कितना होता है, जैसे मैं कहूं कि अगर यहां पे मैं रखता हूं 40, 40 में कितना 8 होगा, 40 में कितना 8 होगा, तो आप कहिएगा क्या, 40 में 8 का भाग दे देता हूं, 8 × 5 = 40, यानी 5 × 8 होगा, अच्छा तो हम बोले ठीक है, अब 6/5 में 1/10 बताइए ना कितना होता है, तो आप भी कहिएगा 6/5 में 6/5 का निकालना है 1/10 कितना होता है, मैं रख दूंगा 1/10, 1/10 रख दूंगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 6/5 × 10/1, 10/1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये नीचे 1/10 है तो 10 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना मत मिल जाएगा, 5 × 2 = 10, यानी कितना होगा, 6 × 2 = 12, ये आपका कितना है, 6 × 2 = 12,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप आगे भी बना सकते हैं, ये 6/5 है, ये इसका आधा मैंने निकाला, आधा मतलब 1/10 निकाला, तो 10 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, ठीक है, ये जाता है तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। स्टेशन इतना बजे चलकर अपने गंतव्य स्थान से 13 पहुंची, गंतव्य स्थान पहुंचने का समय है। देखिए इसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन पहले बताया, फिर से आपको समझा देता हूं। यानी जब लेशन पढ़ा रहे थे तो इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हुए थे, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM से चलकर अपने इतना पहुंची, गौतम स्थान पे पहुंचने का समय। जब आपको नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, घड़ी बनाइएगा, घड़ी में आप 1, 2, 3, 4, 5, 12 पूरा लिख दीजिएगा। यहां पे 12 से स्टार्ट करके यहां 6 लिख के यहां आपका कितना होगा 3 लिख दीजिएगा, यहां 9 लिख दीजिएगा और इसमें आगे भी लिख दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कितना, तो 6:14 हो रहा, तो बताइए 6:14 यानी एक सुई यहां रहेगा और एक सुई कहां रहेगा, यहां रहेगा लगभग 15 के पास, ये 15 3 पे आ जाएगा, तो ये ऐसे रहेगा। फिर ये सुई बढ़ते एक स्टेशन से 6:14 हो गए, फिर ये सुई बढ़ते हुए कहां गई, 13:48 हो गई, यानी 1:00 एक सुई यहां आएगा, 1:48 2:50 यहां मतलब 10 के करीब में रहेगा, एक दूसरा सुई यहां रहेगा, एक यहां रहा एक यहां रहा। अब इसका दूरी नापिए, दूरी कैसे नापेंगे, तो पहले घंटा वाला नाप लीजिए, यहां से जाते हुए एक तक गया को कितना घंटा हुआ, फिर मिनट का देखिए यहां से गया तो कितना हुआ, ठीक है। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, आप ये कंसेप्ट रखिएगा, निश्चित ही बन जाएगा। इसका आंसर चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में दें, बहुत ही आसान है। आपको घड़ी देखना इसका मतलब नहीं आता है तो घर पे सीख लीजिए, बहुत ही आसान है घड़ी का देखना, क्योंकि घड़ी आप देख सकते हैं तो आप उसका मिनट घंटा आराम से घड़ी बना के निकाल सकते हैं। अब ये भी कल के वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, 21 और 49 के बीच 7 गुणजों का योगफल है। अच्छा ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच गुणजों का योगफल है, 7 गुणजों का योगफल है, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणन खंड है, 25 और 30 का, 25 और 30 में देखा जाए तो किससे भाग लगता है, तो देखिए सार्वगुणन खंड निकालना हम आपको बताएं, यहां हो गया 25 और दूसरा संख्या क्या हो गया आपका, हो गया 30, एक हो गया 25 दूसरा हो गया आपका 30। तो अगर देखा जाए तो किससे भाग जाएगा ये, तो दोनों में भाग लगना चाहिए, 25 ये हो गया 6 5 30, इसके बाद आगे भाग नहीं लग रहा है, तो सार्वगुणन खंड क्या हो गया मेरा, 5 हो गया, ठीक है। सार्वगुणन खंड कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसका निकालते हैं, 21 और 49 के बीच 7 गुणजों का योगफल है, क्या है, 7 के गुणजों का योगफल है 21 और 49 के बीच। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए 21 और 49 के बीच पूछ रहा है 7 के गुणज का मतलब क्या होता है, 7 का पहाड़ा का 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 आ जाओ इधर, 7 6 42, 7 6 42, 7 7 49 लिख दिया मैंने पहाड़ा। थोड़ा आप लोग इसको आराम से समझिएगा, केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये मना रहा हूं मैं, 7 7 49। अब यहां देखिए ये कह रहा है कि 21 और 49, तो मैंने ये 49 हटा दिया, इधर कितना कह रहा है 21 हटा दिया, अब बचा क्या 28 35 और 42, 28 35 42, इन तीनों को क्या कह रहा है योगफल, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, इन तीनों को क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, और जोड़ देने के बाद भागा कितना कीजिएगा 5, जो भी आएगा उसका भागा 5 कीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में दें। क्यों मैं ऐसा करवा रहा हूं, ताकि आप बनाएं, ये अपने खुद से बनाएं, इसलिए क्योंकि 2 दिन बाद एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सवाल, इसी तरह के प्रश्न आएंगे, तो ये भाग दीजिएगा, भाग देने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग है, धनात्मक गुणनखंडों का, अगर गुणनखंड इसका निकालेंगे, अब 96 में किससे किससे भाग लगता है ये हमको जांचना है, 96 में किससे किससे भाग लगता है ये हमें जांचना है। तो आगे देखिएगा आप, 1 हो जाएगा, उसके बाद 96 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ा एक साथ रखिए, उसके बाद 2 से भाग दे के देखिएगा तो 2 के साथ क्या आता है, उसके बाद 3 से अगर भाग, 6 9 6 15, 3 से भी लग जाएगा तो 3 का देखिए, 4 का देखिए, 5 का देखिए, 6 का देखिए, जिससे लगता है लास्ट तक देखिए, तो लास्ट तक देखने के बाद क्या कीजिएगा, सबका जोड़ निकाल लीजिएगा, सबका क्या कीजिएगा जोड़ निकालिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जो आएगा वो क्या होगा आपका आंसर होगा। इसको भी बना के आपको देखना है, लगभग 252 मेरे ख्याल से होना चाहिए, इसे भी आप बना के प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब ये तो मीठा हुआ है, चलिए आंसर यहां पे हल कर दिया गया है,
एक टंकी में इतना और इतना लीटर दूध है जिसको इतना साइज में पूर्णतः भरा जा सके, 22 जारों का दूध होगा। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने अच्छे तरीके से सॉल्व किया, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर है को 250 मिलीलीटर दोनों को जोड़ दिया है। मैंने तो आपको कंसेप्ट पहले क्लियर किया है, ये कितना हो जाएगा आपका इतना मिलीलीटर, डायरेक्टली इन्होंने चेंज किया है इतना मिलीलीटर। ये तो आंसर हम लोग पहले से बना चुके हैं, शायद 22 जारों का बनाना था, ये हम लोग पहले से बना चुके हैं, नहीं बनाए होंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, ऊपर में समझाया गया है। ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग बराबर करते हैं। बराबर कैसे करते हैं, यहां पे अगर 16 जार लिखा है और इतना मिलीलीटर आता है तो यहां लिख देंगे, फिर पूछेगा कितना का 22 जार का पूछ रहा है, यहां 22 लिख देंगे, जितना पूछेगा वहां वाट हो जाएगा और इसके साथ इसको गुणा कर देंगे और 16 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां वही किया है, यहां एक रखा है, हम यहां डायरेक्ट 22 रख देंगे, एक बार में आंसर हो जाएगा, इस तरह नहीं बनाना है। ऊपर में मैंने समझाया उसको, एक बार निश्चित ही दोबारा देख लीजिएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, इसको भी कुछ नहीं करना है। समकोण मतलब कितना होता है, 90 होता है। समकोण मतलब कितना होता है, 90, ये मैंने पढ़ाया भी है, समकोण मतलब 90। अब ये कह रहा है 4 और 2/3 यानी 4 समकोण और 2/3, तो 4 समकोण यानी 4 × 90, 4 × 90 9 × 36 ये हो गया 360, ये कितना हो गया 360। अब कह रहा है कि 2/3 यानी 90 का 2/3, 90 का क्या कीजिएगा 2/3 निकाल लीजिए, 90 × 2/3 2/3 को ये काटिए, 3 से कटेगा 3 × 3 = 9 यानी 30, तो 30 × 2 हो जाएगा 30 × 2 = 60 को 60 इसमें जोड़ दीजिए, को ये 360 + 60 360 + 60 कितना आएगा, तो 0 + 0 6 × 6 = 12 और 2 × 3 = 4 420 आ रहा, क्या इसमें 420 है, जी हाँ है 420, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये है पानी की टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची है और 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया, 6 मीटर ऊंचाई तक क्या किया गया है भरा गया है, और टंकी का कितना भाग खाली, टंकी का कितना भाग खाली है, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे 11, 10, 9, इसको गुणा करेंगे, मैंने बताया कि सबसे पहले उसका गुणा कर लेते हैं, जो भी है वो गुणा करने के बाद कह क्या रहा है कि 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया है, तो 6 मीटर ऊंचाई तक क्या किया गया है पानी भरा गया है, तो टंकी में पानी भरने का मान निकालेंगे, तो पानी भरने का मान कितना हो जाएगा, लंबाई ये कितना हो गया, ये 6 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गया 6 मीटर, ऊंचाई क्या हो गया 6 मीटर, को यहां पे क्या करेंगे 6 मीटर रख देंगे, अब बाकी दोनों क्या हो जाएगा उसका लंबाई चौड़ाई तो वही है, तो लंबाई चौड़ाई एक साथ रखेंगे, यानी पहले का हम तीनों गुणा कर दिए, दूसरे में क्या करेंगे, तो लंबाई मेरा टंकी वही है तो वही होगा 10 × ये पहले लिख दिए 11 × 10, अब गुणे कितना हो जाएगा आपका नया ऊंचाई मिला 6, ठीक है ये मिल गया, तो दोनों को हम गुणा करेंगे, दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो सकता है, लेकिन टंकी का कितना भाग खाली है तो ये मुझे बटे में देना है, तो देखा जाए को ये कितना है 330 हो गया, दोनों को घटाएं को कितना है 330 मीटर क्यूब है, तो इसको निकालने के लिए हमें 330 घटाने के बाद आया और टोटल का बटा कर देंगे, टोटल का क्या करेंगे बटा कर देंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, फिर से मैं समझा देता हूं, पहले का आयतन निकालेंगे, पहले का आयतन निकाल लीजिए, इसको आयतन मतलब वही आपका क्षेत्रफल जो आपको ऊंचाई दे दी है तो गुणा करना होता है, तो तीनों को हम गुणा करेंगे, जो आएगा वो 990 मीटर है। अब यहां कह रहा हूं ऊंचाई जो है पानी भरा है मात्र 6 मीटर तक, ऊंचाई मुझे नया मिला, कह रहा है कि 9 नहीं 6 मीटर तक भरा है, 9 मीटर है तो क्या हुआ 6 मीटर पानी भरा है, 11 10 और क्या करेंगे 6 में गुणा करेंगे, तो तीनों में गुणा किए, तीनों का दोनों का अंतर निकालेंगे, इन तीनों का गुणा किए फिर इन तीनों का गुणा किए, दोनों का गुणा करने के बाद अंतर निकालिए यानी घटा दिए, घटाने के बाद 330 है। अब पूछ रहा है कि टंकी का कितना भाग खाली है, अब टंकी का भाग खाली पूछ रहा है तो 330 तो घटाने के आगे मुझे मीटर क्यों, लेकिन उसका भाग पूछ रहा है तो 330 अब बटे टोटल जो उसका आयतन है उससे हम भाग दे देंगे तो वो मेरा बटा में आंसर हो जाएगा, तो ये काटिएगा तो आपका आएगा 1/3 भाग टंकी का। क्वेश्चन नंबर 44, एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं, एक आयत है और वर्ग है दोनों के परिमाप बराबर हैं, यानी मैं यहां लिख देता हूं आयत और नीचे में मैं लिखूंगा
ये आयत हो गया, नीचे में लिखता हूं वर्ग, दो चीजों का यूज हो रहा है, दोनों चीजों को मैं अलग अलग लिख देता हूं। ये हो गया वर्ग, बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, जब इसका 96 होगा तो नीचे वाला का भी क्या होगा, 96 होगा। ये आयत का कितना हुआ 96, परिमाप वर्ग का कितना हुआ परिमाप 96, नीचे में लिखता हूं दोनों का, इसका 96 इसका 96। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, आयत का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयत का फॉर्मूला होता है 2 × परिमाप निकालना होगा तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस एल प्लस बी, मैं लिख देता हूं, समझ जाइएगा आप, एल और यहां पे मैं लिखूंगा बी, एल प्लस बी, एक सेकेंड दीजिए काम नहीं कर रहा, एल प्लस बी। तो ये हो गया मेरा क्या फॉर्मूला, आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप मतलब होता है आपका जो भी हो भुजा उसका 4 गुना, यानी 4 गुणे भुजा, 4 गुणे क्या होता है भुजा, कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं, ये भी स्पष्ट हो जाएगा अभी। 4 गुणे भुजा, देखिए वर्ग जो होता है ये चारों इसकी भुजाएं बराबर होती है, ये तो आप जानते हैं, ये होगी आपका वर्ग, चारों ये निकला हुआ नहीं रहेगा, ये चारों भुजाएं बराबर होती है। परिमाप मतलब क्या, ये चारों जो लकीर दिख रहा है ना लाठी जैसा, ये इसी का मान को हम कहते हैं परिमाप। आयत में क्यों लिखते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि ये देखिए ऐसे होता है आयत, आयत में क्या होगा एक ये एक ये एक ये एक ये, कोई ये दोनों तो समान है, ये दोनों क्या है को समान, को एक को दोनों में मान लीजिए इसका 5 है, को 5-5 जोड़े या 5 × 2 कर दें तो 10 हो जाएगा, और इसका इसका क्या हो जाएगा, इसका भी दोनों समान होता है, तो वही 2 गुणे एल प्लस बी है और इसका 4 गुणे भुजा है, समझिए कि चारों लाठी जो दिखाई दे रहा है उसी का मान। तो कह रहे इन दोनों का मान कितना है 96 है, यहां वर्ग दिया है तो क्या हुआ, पहले तो बता दिया है कि दोनों बराबर है। अब इसमें आगे देखते हैं, आयत 96 है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एल और बी दोनों है, लेकिन इसमें तो एक ही है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 गुणे भुजा है तो इसका मान कितना है, वर्ग का परिमाप बराबर 96 को 96 इधर, इसको लेके आएंगे इधर, तो ये गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, को 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 2 = 8 और ये हो गया 16, 4 × 4 = 16, यानी ये हो गया 24 हो गया, तो मैं यहां लिख देता हूं 24 क्या हो गया भुजा हो गया, चलिए भुजा हो गया, तो इसका कितना हो गया आपका, ये बोला है आगे में वर्ग कहां गया यहां, और आयत की चौड़ाई वर्ग के भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, आयत की चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो 4 सेंटीमीटर इससे कम है तो कितना आएगा, 4 इसमें से घटा देते हैं, इसकी भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है यानी 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, ये हो गया मेरा 20। तो ये क्या निकला मेरा, आयत की चौड़ाई यानी चौड़ाई निकला, यानी इसका मान कितना आ गया 20, को इसका भी मान निकाल लेते हैं एल का, क्योंकि एक मान बच गया इसका दे दिया है, को 2 गुणे एल प्लस 20, एल प्लस 20, या तो इन दोनों को यहां गुणा करें, नहीं तो ये गुणा में है ना, तो इसको डायरेक्ट इधर भाग से कर देते हैं, कि ये 2 इधर आ जाएगा तो इसको भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 से इसे काट दीजिए तो ये आएगा आपका 2 × 4 = 8, 2 × 4 क्या होगा 8, और इधर आएगा कितना 16 हुआ, को 16 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 × 2 = 16, यानी 48 आएगा। अब इधर L प्लस 20 बचा, को 20 प्लस में है, 20 प्लस क्या, 20 किस में है, प्लस में है, तो 20 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये घटा देंगे 48 में से क्या होगा, 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये मेरा घटा, ये हो गया 8 × 8, 4 × 2 = 2, यानी ये आ गया मेरा 28, कितना आ गया 28। अब कह रहा है कि तब आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, को दोनों का गुणा होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक मिला 20, दूसरा मिला कितना 28, दोनों का गुणा कीजिए, तो इसको दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कीजिए, ये होगा 8 × 2 = 16 का 6, हाथ में 1 × 2 = 4, यानी ये आ गया 560, कितना आ गया 560। देखिएगा इसमें आंसर दिया होगा 560, लेकिन आपको ठीक से देखना है, को 560 तो दिया, आयत का क्षेत्रफल कितना है 560 आया, लेकिन उसका 2 गुना, यानी इसका 2 गुना, यानी इसमें क्या करेंगे 2 से हम गुणा करेंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये देखा जाएगा 6 × 2 = 12 का 2, हाथ में क्या आया 1, अब
पांच दुनी दस एक ग्यारह, यानी 1120 आया, जीरो लास्ट में बैठा देते हैं तो ये क्या हुआ 1120। आप गुणा करके भी देख लीजिए 560 गुणे दो 1120 आएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर कुछ प्रश्न होना चाहिए। मैंने पहले से भी बोल रखा था कि प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व कीजिएगा मैथ का, अगर सॉल्व करते हैं तो निश्चित ही आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा सबको मैंने आज डील किया और आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दे, किसी अपने दोस्त को शेयर कर दे, और कुछ त्रुटियां हो या कुछ आंसर आपसे पूछे गए हैं उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देके हमें जरूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।